हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों मैं करण चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं नंदन करता हूं तो कौन विद्यार्थी क्लास में लाइव है ठीक है, सभी, है।, आ, कौन -कौन है। सभी किसी विद्यार्थी एक बार आ जाए क्लास में लाइव तो हम लोगों ने आ, जो टॉपिक था टॉपिक था आज एप क्लास राजेश कुमार जी क्या हाल है आपके क्लास uh, लाइव गई जैसे उदय नारायण जी उपाध्याय और बड़ा करो बेटा कमेंट सभी को भाई नमस्कार क्या हाल है तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था अभी आप सभी ने टॉपिक पढ़ा था और अच्छा बड़ा करो बेटा और आपने दोबारा ना सुनना नहीं पड़े बड़ा छोटा के ना कमेंट बड़ा रखा करो ठीक है बहुत बहुत बढ़िया भाई तो उदय नारायण जी राजेश कुमार जी और सभी विद्यार्थी के क्लास में लाइव आ जाए तो हम ना पेड़ में हम ऑलरेडी टॉपिक खत्म कर चुके हैं पेड़ में हम लोगों ने जो तो टॉपिक पढ़ा था कि हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे तो पॉलिटिकल थॉट के बाद आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल थिंकर पॉलिटिकल थिंकर जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है तो पॉलिटिकल थिंकर में पहला जो पॉलिटिकल विचारक है जिसे हम पढ़ने लग रहे हैं वो है प्लेटो प्लेटो काफी इंटरेस्टिंग सा विचारक है और काफी बार इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कई प्रकार के प्रश्न प्लेटो से बनते हैं तो एक एक करके आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां प्लेटो के इससे मिल जाएंगी तो पहले प्रश्न आपके बेसिक पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ या प्लेटो किस प्रकार के विचारक हैं प्लेटो का कौन सा काल है तो देखो प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है यानी कि प्लेटो को आप लोग कह सकते हैं कि प्लेटो जो है बेसिकली प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता है मतलब जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी तो आप कह सकते हैं कि सर फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ये आपका प्लेटो है तो कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ये प्लेटो है ठीक है कई बार इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अफलातून एक नाम है जो जनरली पॉलिटिकल साइंस में रहता है अक्सर आपके एग्जाम में रहता है तो प्लेटो को आप कई नाम से जानते हैं ये भी एक नाम है ये भी प्लेटो का ही नाम है इस नाम से प्लेटो को जाना जाता है या फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कभी पूछा जाए अरिस्टोक्लीज ठीक है तो अरिस्टोक्लीज जो नाम है ये भी बहुत ये भी इसी का नाम है अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि अरिस्टोक्लीज अरिस्टोक्लीज अरिस्टो, अरिस्टो, अरिस्टो मैं लिख देता हूं यहां पर अरिस्टोक्लीज अरिस्टोक्लीज जो नाम है ये भी ही पॉलिटी का ये भी प्लेटो का ही नाम है तो एक तो अरिस्टोक्लीज नाम पूछा जाता है अफलातून पूछा जाता है अफलातून फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ये सारे के सारे प्लेटो के नाम है तो किसी भी नाम से आप प्लेटो को पढ़ोगे इधर आप प्लेटो को पीसीएस विद कृष्णा गुरुदेव आरएस के लिए भी नमस्कार भाई शिवेंद्र सिंह अनु राय गुड इवनिंग अनु सोनिया गुड इवनिंग सविंदर सिंह गुड इवनिंग देखो ये पेड क्लासेज है तो इसी पेड क्लासेज में आप इसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ये क्लासेज हैं पेड तो आप इसे आराम से जो है यूट्यूब के अनुसार इसे लेकर साथ में हम चल रहे हैं तो आप इसको उसी अकॉर्डिंग पढ़ने लग रहे हो ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों तो आप इसे कई नामों से जानते हैं फादर और आता है कि इसका का हुआ। तो, तो दो पार्ट है यूनान के यूनान के दो पार्ट है तो स्पाट्रा है और एक यूनान को देखोगे तो यूनान के आपको दो सेगमेंट नजर आएंगे ठीक है एक तो इथेंस है और एक आता स्पाट्रा तो इनका जो जन्म हुआ वो इथेंस में जन्म हुआ इथेंस। कहा जन्म हुआ इथेंस में जन्म हुआ अगर पुरानी यूनान को देखोगे आप तो उसके दो सेगमेंट आपको नजर आते हैं एक कहता है, कहता है है कि बॉडी बनाओ मसल्स पावर पे ध्यान दो और एथेंस जो है इंटेलेक्चुअलिटी पे ध्यान देता है तो जो दार्शनिक जहां पर भी पैदा हुए हैं वो ज्यादातर जो दार्शनिक है वो इथेंस में पैदा हुए हैं स्पाट्रा में दार्शनिक कम हुए हैं स्पाट्रा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक यूनान का सैनिक राज्य था तो सैनिक राज्य है और जो राज्य है वो वो कौन सा है है आपका एथेंस है। उसी एथेंस उसी में प्लेटो का जन्म हुआ था प्लेटो की बहुत सारी रचनाएं बहुत ही फेमस है जैसे द रिपब्लिक है द स्टेटमेंट है द लॉज है ये पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं कौन सी कौन सी द रिपब्लिक द स्टेटमेंट एंड द लॉज ये कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि प्लेटो की पुस्तकों के नाम बताइए तो जनरली आपको याद रखनी होगी फादर ऑफ पोलिटिकल फिलोसफी आप इन्हीं को कहते हैं प्लेटो को ही कहा जाता है देखो प्लेटो का जो पहले नाम था वो बहुत बेसिक सा नाम था आप प्लेटो को बोलते थे अरस्टोक्लिज अरेस्टोक्लिज जो नाम था ये प्लेटो का नाम था अब प्लेटो को जो उपाधि दी है प्लेटो की वो सुकरात ने दी है सोक्रेटिस ने दी है आप सभी को एक जानकारी होगी आप सभी एक बात जानते होंगे आप सभी को एक इंफॉर्मेशन पता होगी कि हमारे राजनीतिक जो विचारक है सबसे पहले सुकरात है सुकरात सबसे पहला विचारक है इसे आप बोलते हैं सोक्रेटी सुकरात सुकरात के बाद जो विचारक है वो है प्लेटो प्लेटो और प्लेटो के बाद जो विचारक है वो है अरस्तु कौन है अरस्तु सुकरात प्लेटो और अरस्तु ये आपके पॉलिटिकल थिंकर हैं राजनीतिक विचारक हैं तो सुकरात ने ही प्लेटो की उपाधि दी क्योंकि सुकरात जो सोक्रेटिस है ये बड़े विचारक थे बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं इनका बहुत बड़ा नाम है और ये एक जनरल आप कह सकते हैं कि जनरल चीजों पे विश्वास करते थे जनरल चीजों पे बिलीव करते थे तो ये कौन थे आपके या आपके प्लेटो हुआ करते थे अब प्लेटो के बाद जो पैदा हुआ मतलब सॉरी सुकरात हुआ करते थे और सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो तो जो प्लेटो का जो नाम था वो था अरिस्टोक्लीज़ अरिस्टोक्लीज़ ये अरिस्टोक्लीज़ नाम आप लोगों ने सुना होगा अरिस्टोक्लीज़ अरिस्टो तो आप इसे किसी प्रकार से लिख सकते हो आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख सकते हो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अरिस्टोक्लीज 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 तो जो नाम है ये इनका ही नाम है प्लेटो का जो प्लेटो की उपाधि है ना ये प्लेटो की उपाधि है ये प्लेटो की उपाधि इनको सुक्रात ने दी थी तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्लेटो की उपाधि किसने दी तो प्लेटो की उपाधि सोक्रेटिस यानी कि सुक्रात जो है इन्होंने प्लेटो की उपाधि दी थी अरिस्टोक्लीज को अरस्तु अलग चीज है अरस्तु जो है ये अलग चीज है और वो अलग चीज है कमेंट्स ठीक है ये दोनों दोनों अलग अलग हैं तो ये आपसे एग्जाम में यही दिखाओ सर नीचे आप क्यों आगे बीच में यार क्लास में जो वो लड़का सर पहले सुकरात सु, पढ़ाने चाहिए सुकरात बेटा सुकरात आपके सिलेबस में नहीं है फटाफटा फटा, फटा बताए कल सुबह पनवेल निकलना निकलने हैं तो छोटा 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 देखो सुकरात तो है आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है जो है प्लेटो आपके सिलेबस का पार्ट है तो प्लेटो ही आपसे बार बार पूछा जाता है ठीक है तो प्लेटो आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है आप प्लेटो पर ध्यान दें आप प्लेटो को जानने की पूरी पूरी कोशिश करें तो ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आई बोलो हाँ या ना क्लियर है ना तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी द रिपब्लिक द स्टेटमेंट द लॉज लिखे प्राचीन यूनान राजनीतिक दार्शनिक ये सब प्लेटो के बारे में बातें हैं जो आपको समझनी है और जाननी है प्लेटो के कई शासन प्रणालियां हैं प्लेटो की शासन प्रणालियां का अध्ययन किया है गवर्नमेंट सिस्टम प्लेटो ने कई शासन प्रणालियों का अध्ययन किया है देखो शासन प्रणालियां क्या होती है जनरली फॉर एग्जाम्पल देखो कई प्रकार की शासन प्रणाली थी जब यूनान था तब भी कई प्रकार की शासन प्रणाली थी वर्तमान में भी कई प्रकार की शासन प्रणाली है कई राजतंत्र अच्छा है तो कहीं पर आप कह सकते हैं कि आदर्श राज्य अच्छा है कई धर्मतंत्र अच्छा है तो प्लेटो ने कई प्रकार के अध्ययन किए हां अफलातून इन्हीं का नाम है डॉक्टर संजीव राजपूत जी अफलातून जो है इन्हीं का नाम है ये मैं बता चुका हूं अभी प्लेटो को ही आप अफलातून के नाम से भी जानते हैं आरिस्टोक्लज के नाम से भी जानते हैं और प्लेटो को ही आप अफलातून के नाम से भी जानते हैं तो प्लेटो ने कई सारी जो है इनके ऊपर बातचीत की देखो कई सारी शासन की प्रणालियां होती हैं कोई लोकतंत्र को अच्छा बताता है कोई राजतंत्र अच्छा बताता है प्लेटो आदर्श राज्य की संकल्पना रखता था प्लेटो कहता था कि आदर्श जो राज्य है ठीक है ये क्लास पेड़ में भी हो गया क्या होगी क्या ये क्लास पेड़ में ही है आपको यूट्यूब पे मिल रही है अब प्लीज हमारे पेड़ बच्चे आपके साथ में पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें ये क्लास पेड़ में ही चल रही है आप इसे पेड़ की तरह ही कंसीडर करें ये फ्री में नहीं है ये पेड़ में ही है जिन बच्चों ने फीस दी है उन्हीं के लिए क्लास चलाई जा रही है अलग के लिए क्लास नहीं है बाकी आपको मिल रही है फ्री में अभी तो देखो प्लेटो ने आदर्श राज्य के संकल्पना की बात करी है प्लेटो कहता था कि राज्य की कई सारे विचार हैं फॉर एग्जाम्पल कई सारी शासन प्रणालियां हैं कई लोकतंत्र की आप बात करते हो आपने जानते हो ना शासन प्रणाली लोकतंत्र भी एक है राजतंत्र भी एक शासन प्रणाली है तो लोकतंत्र राजतंत्र लेकिन ये लोग कहते थे आदर्श राज्य की बात करते थे क्योंकि आदर्शवादी है तो आदर्श राज्य की बात करते थे ये कहते थे कि जो आदर्श स्टेट है ना वो सबसे अच्छा स्टेट है और प्लेटो का आदर्श राज्य प्लेटो ने कई जगह पर डिफाइन किया है इसके आदर्श राज्य की जनसंख्या पांच हजार चालीस होती थी जिसको बोलता था प्लेटो कि आप उसको आदर्श राज्य कहेंगे देखो एक बात आप जनरल से जानो प्लेटो शिष्य किसका था सुकरात का शिष्य था और प्लेटो पैदा कहाँ हुआ एथेंस में पैदा हुआ एथेंस किस पे विश्वास करता था एथेंस का विश्वास था दिमाग वाले व्यक्तियों पे आदर्श वाले व्यक्तियों पे अच्छे विचार वाले व्यक्तियों पे ये तो आदर्श राज्य की संकल्पना ये सुकरात की भी थी सुकरात ये चाहता था कि ऐसा राजा बने जो जनता से प्यार करे ठीक है जनता का ख्याल रखे जनता को अच्छे से संजो के रखे ऐसा राजा कौन चाहता था यह चाहता था सुकरात सुक्रात का ही शिष्य हुआ करता था प्लेटो तो एक्चुअली में सुक्रात तो पढ़ा लिखा था नहीं सुकरात ने बहुत सारी बातचीतें की सुकरात ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए सुकरात ने बहुत सारे कथन कहे क्योंकि सुकरात तो लिख नहीं सकता था अब सुकरात ने जो स्टेटमेंट कहे उन्हीं स्टेटमेंट को प्लेटो ने लिखा तो दो किताबें हैं एक तो द रिपब्लिक है एक का आप लोगों के नाम सुना होगा क्रिटो तो क्रिटो में सुकरात के द्वारा दिए गए जितने भी विचार थे जितने भी वासद थे उस क्रिटो में सभी विचारों को संहिताबद्ध करने का काम प्लेटो ने किया तो प्लेटो उसी सुकरात के आदर्श राज्य की स्थापना करता हुआ नजर आता है जहां पर भी आप देखेंगे तो वो क्या करता है आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात करता है और उसी जो सुक्रात की जो फिलोसफी है उसी को कहीं ना कहीं स्थापित करने की बात जो है ये करता है आ, सुकरात की स्टेट को स्टैब्लिश करने का बात प्लेटो करता है प्लेटो ने कई प्रकार की प्रणालियां पढ़ी और ये आइडियल स्टेट आदर्श राज्य और ऐसा राज्य जहां पर न्याय मेन हो जहां पर यूनान में उस समय लोकतंत्र क्या था क्या सर नहीं लोकतंत्र कैसे होगा डॉक्टर संजीव राजपूत जी लोकतंत्र उस समय कैसे होगा यूनान में उस समय तो यूनान तो यूनान में तो दो जगुटों में लड़ाई रहती थी स्पाट्रा हमेशा बाहुबल के दम पर इथेंस में ऑलरेडी वो नहीं था लोकतंत्र नहीं था तो लोकतंत्र की संकल्पना तो थी नहीं मैंने आपको एग्जे एग्जाम्पल बताया है कि जैसे लोकतंत्र होता है राजतंत्र होता है इसी प्रकार की बहुत सारी प्रणालियां होती हैं उस समय तो, तो लोकतंत्र की संकल्पना ही नहीं थी भाई लोकतंत्र तो बाद में डेवलप हुआ पहले तो पोप का शासन हुआ करता था राजा का शासन हुआ करता था पहले तो यह संकल्पना हुआ करती थी तो पहले यह सब नहीं था ठीक है पहले तो अलग ही तरीका के विचार हुआ करते थे ये तो बिल्कुल था ही नहीं लोकतंत्र तो था ही नहीं तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात करी और स्टेटमेंट में स्टेट आइडियल स्टेट जो देख रहे हो ना आप आदर्श राज्य और न्याय व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने प्लेटो ने यही सिद्धांत किसका है यही सिद्धांत है आपके सुकरात का अब जो मेनली आपको पढ़ना है क्लास लगातार चलेगी आपकी तो पूरा प्लेटो आप पढ़ोगे ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में खत्म करोगे अन्नु सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भाई सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था तो क्रेटो में इसने इस बात का अध्ययन किया तो ये बिलीव करता है आदर्श राज्य की संकल्पना प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता एथिक्स का एक भाग माना है बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्लेटो आदर्श तो बात पर विश्वास करता है और प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है और आदर्श राज्य की भी बात करता है तो ये कहता है कि वही राज्य सबसे अच्छा है और वही राजा सबसे अच्छा है जो नैतिकता के साथ चलेगा जो नैतिक साह के बाद साथ चलेगा प्लेटो विधि के शासन की बात करता है अगर आप किताब पढ़ोगे द स्टेटमेंट तो द स्टेटमेंट में प्लेटो विधि के शासन की बात करता है रूल ऑफ लॉ देखो स्टेटमेंट में रूल ऑफ लॉ की बात करता है तो रूल ऑफ लॉ विधि का शासन तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि प्लेटो ने विधि के शासन की बात को स्वीकार किया है बिल्कुल किया है प्लेटो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करता पर विधि के शासन को स्वीकार करता है रूल ऑफ लॉ को स्वीकार करता है प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है प्लेटो जस्टिस सिस्टम न्याय की व्यवस्था की स्थापना की बात करता है प्लेटो राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का भाग मानता है प्लेटो ने स्टेटमेंट में संभावित राज्य का उल्लेख किया है संभावित राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसे आप आगे चल के बना सकते हैं तो आदर्श राज्य की संकल्पना होगी तो अब बात करते हैं कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है और प्लेटो कैसे कैसे पद्धति को पढ़ता है क्या क्या प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बन सकते हैं राजू सागर ठीक है सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भाई ठीक है आइए यहां से समझने की कोशिश करते हैं और चीजों को जानने का ध्यान देते हैं देखो प्लेटो के सामान्य पर्चे को आप समझ गए यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं आते यूजीसी नेट की बात करोगे डॉक्टर साहब क्लास देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे यूजीसी नेट की बात कर लू मैं मैं पॉलिटिकल साइंस पीजीटी की बात कर लू मैं टीजीटी की बात कर लू मैं राजस्थान का जो आपका एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की मैं बात कर लू इन सारे एग्जाम में जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ना वो सब इसी से पूछे जाते हैं तो प्लेटो के जीवन से बहुत प्रश्न आपके बीच में नहीं बनेंगे इतने ही बनेंगे कि प्लेटो का जन्म कहां हुआ प्लेटो ने किस प्रकार का वर्णन किया प्लेटो की कौन सी किताबें हैं अब प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो है प्लेटोज मेथड ऑफ स्टडीज से आपके एग्जाम में एक से दो प्रश्न बनते हैं प्रश्न बनते हैं कोर्स आप ले सकते हो कोर्स आपको मिल जाएगा राजू सागर जी और मूवी शिक्षा फैन क्लब आपको ही मिल जाएगा एक नंबर बताऊंगा वहां से आप देख सकते हो प्लेटो की अध्ययन पद्धति देखो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं पहली बात किस प्रकार की प्लेटो की अध्ययन पद्धति है देखो पहली चीज तो विश्लेषणात्मक पद्धति वो निगमनात्मक एनालिटिकल मेथड्स एंड डिटेक्टिव मेथड देखो ये कौन सा मेथड होता है प्लेटो की जो शैली है वो विश्लेषणात्मक है और निगमनात्मक है इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज का विश्लेषण करोगे कि कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज खराब है उसे कहते विश्लेषण करना तो प्लेटो ने जो है आदर्श राज्य की स्थापना की बात करी प्लेटो ने जो है ये कहा कि भाई राजा जो है जो है राजा जो है वो अच्छा होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए बुद्धिमान राजा होना चाहिए प्लेटो ने इन सारी चीजों की बात करी और डिडेक्टिव क्या होती है कि आप पूरी चीज में से खराब चीज को हटाते चले जाओ उसे कहते निगमनात्मक शैली ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथड यह प्लेटो ने प्रयोग किया है क्योंकि प्लेटो ने अपने अध्ययन में ऐतिहासिक चीजों को जोड़कर बात करी है ठीक है प्लेटो ने द अकेडमी की स्थापना करी द अकेडमी यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था और द अकेडमी में हिस्टोरिकल अप्रोच और एनालिटिकल मेथड एंड डिडक्टिव मेथड के ऊपर बेस मानकर पढ़ाई कराई जाती थी तो यहां से एग्जाम में प्रश्न कभी कभी दो प्रकार से बनता है पहली बात कि दा का अध्ययन पद्धति कौन सी थी तो दी या अकेडमी कहते हो आप इसकी अकेडमी की जो अध्ययन पद्धति थी वो भी आपकी एनालिटिकल और मैथड एंड डिडेक्टिव मैथड हुआ करती थी डिडेक्टिव मैथड क्या होता है आपने प्रश्न को सोल्व किया एक प्रश्न के चार ऑप्शन है अब कैसे सोल्व करते हो कि सीता किसकी पत्नी थी अब सीता किसकी पत्नी थी ऑप्शन में आपके सामने क्या दिया है सीता के पिता का नाम दे दिया ठीक है एक नाम उसमें जनक दे दिया राजा जनक दे दिया एक नाम उसमें राजा दशरथ दे दिया एक नाम उसमें भरत दे दिया एक नाम उसमें लक्ष्मण और एक नाम उसमें राम दे दिया तो डिरेक्टिव मेथड आप यूज करोगे तो आप दो में दो तो दो सीधे सीधे काट दोगे कि ना तो दशरथ होगा ना जनक होगे अब आप कंफ्यूजन अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है तब मैं बता रहा हूं वो कंफ्यूज करेगा कि राम है कि लक्ष्मण है कि भरत है तो अब ये डिडेक्टिव मेथड है कि आप चीजों को हटाते चले जाओ उसे आप कहते हैं डिडेक्शन करना निगमनात्मक शैली का प्रयोग करना बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो ये इन्होंने इसका प्रयोग किया अब प्रश्न आता है कि तो अकेडमी है द अकेडमी द अकेडमी की स्थापना तीन सौ छियासी की थी तो इस प्रकार का प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं कि कब करी थी इसकी स्थापना पूछता है द अकेडमी कहां पर थी तो द दी एथेंस में थी क्योंकि इसने एथेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था प्लेटो ने तो द अकेडमी एथेंस में थी अकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान नॉलेज ऑफ मैथ अत्यधिक आवश्यक था अकेडमी के ऊपर लिखा हुआ था के अकेडमी में प्रवेश करने के लिए आपके पास गणित का ज्ञान होना चाहिए ठीक है तो गणित का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए सेकंड, प्लेटो अरस्तु, प्लेटो जो है वो सुक्रात का शिष्य था तो प्लेटो के अनुसार सदगुण ही ज्ञान है द वर्च्यू इज नॉलेज क्योंकि सुक्रात यह कहते थे कि सदगुणी व्यक्ति ही ज्ञानवानी वाणी व्यक्ति होता है आपके पास बहुत ज्ञान है ठीक है लेकिन आपके पास जो है खूब ज्ञान है परंतु आपके पास सदगुण नहीं है आपके पास वर्च्यू नहीं है तो प्लेटो कहते थे कि सदगुण ही ज्ञान है द नॉलेज इज वर्च्यू यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सॉरी वर्च्यू इज नॉलेज के सदगुण ही ज्ञान है वर्च्यू माने सदगुण होता है और सदगुण को ही ज्ञान मानते थे तो यह जो विचार था यह सुकरात का विचार था सुकरात कहते थे कि सदगुण जो होता है वही ज्ञान होता है तो उसी कॉन्सेप्ट में दिस फिलोसफी इज रिलेटेड टू सुकरात तो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा कि द इज नॉलेज मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू भी कराता हूं जब मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू कराऊंगा तो उस समय आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा जब भी मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा ना तो आप एक बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा जब भी मैं आपको एम पढ़ाऊंगा तो एक बात विशेष तौर पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी आपका जो चैनल है मैं इसको एक बार देख लेता हूं कितने विद्यार्थी आप में से लैब चल रहे हैं क्या क्या आप लोग करा रहे हैं तो सभी के सभी विद्यार्थी जो हैं हाँ बहुत बढ़िया सुपर एक बार इस क्लास को सभी के सभी शेयर वियर कर दिया करो क्योंकि नया चैनल है एकदम नया चैनल है और आप इस क्लास को शेयर वियर करोगे तो ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख पाएंगे ज्यादा बच्चे क्लास को देख पाएंगे तो आप बेहतरीन तरीका से इसका ठीक है ठीक है ठीक है, थीक है? क्लियर बेटा क्लियर बहुत बढ़िया चलिए ग्रेट ना आइए अब आगे कोशिश करते हैं मोहम्मद कहां थे तब से आप लोग गोम्मद नबीन अंसारी जी आप तब से कहां थे मैं तो आपके लिए प्रॉपर तरीका से तब से चलने लग रहा हूं तो ये स्टेटमेंट प्लेटो के अनुसार ही था कि सदगुण ही ज्ञान है तो यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि प्लेटो के अनुसार क्या ज्ञान है तो सदगुणी ज्ञान है वेस्टर्न स्टार्ट किए पश्चात राजनीतिक चिंतक हम पढ़ रहे हैं और वेस्टर्न पोलिटिकल थिंकर में प्लेटो हम पढ़ेंगे अरस्तु हम पढ़ेंगे मार्क्स हम पढ़ेंगे रूसो हम पढ़ेंगे बैंथम हम पढ़ेंगे जेस मिल हम पढ़ेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल वेस्टर्न थिंकर भी हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीतिक विचारक भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो ये राजनीतिक विचारक की सीरीज है इसमें हम पूरे विचारक पढ़ेंगे बड़े ध्यान से हर किसी के ऊपर हर किसी के विचार हैं तो हर किसी किसी पर के विचारों के अध्ययन करेंगे तो ये आपने प्लेटो को जानने की थोड़ी सी कोशिश की कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है प्लेटो ने द दी खोली कहां पर खोली और द में किस प्रकार की अध्ययन शैली थी अकेडमी में ज्ञान मैथ का होना चाहिए और वर्चुअज नॉलेज प्लेटो के अनुसार सदगुण ही प्लेटो ने ज्ञान को बात करी ठीक है ये प्लेटो ने कहा देखो एक बात आप समझो प्लेटो के अनुसार आइडिया ही समूचे संसार का मूल तत्व है प्लेटो एक बात मानता है प्लेटो एक बात कहता है देखो प्लेटो विचारों पर आधारित व्यक्ति है ये विचारों की बात करता है ये पर ध्यान देने वाले विचारक हैं, तो ये विचारों की बात करते हैं अगर आप प्लेटो को देखोगे तो प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का सार तत्व है भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है ये आइडिया पर जोर देता है मतलब जो विचार है ना उसको मूल मानता है कहता है द आइडिया इज बेसिस एलिमेंट ऑफ होल यूनिवर्स एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली सैडो ऑफ थॉट्स ये क्या कहता है कि आइडिया इज द बेसिस और बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड जो पूरा विचार है पूरे दुनिया है वो सभी का सभी है आक आइडिया क्या है बेसिक एलिमेंट है आइडिया क्या है बेसिक एलिमेंट है ठीक है और आइडिया के ही माध्यम से द आइडिया इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड द मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली सैडो ऑफ थॉट्स देयरफॉर दिस द रियल वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज ये प्लेटो कहता है कि दुनिया विचारों की छाया मात्र है तो प्लेटो विचारों को अधिक महत्व तो देता है यह कहता है दुनिया विचारों की छाया मात्र है तो विचारों को अधिक महत्व तो जो देता है वो कौन देता है वो आपका प्लेटो देता है ये बात समझ में आ रही है ये देखो प्लेटो है कहता है आई मस्ट सी अंडरस्टैंड ऑल सर्च फॉर द ट्रथ I I I I must must to be careful when I cross the road and ensure I retain my my sense individualism. I must satisfied my basic instinct food, drink, रिटेन shelter, sleep, etc. तो ये विचारों पे ज्यादा देने की बात करता है तो प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वो आपकी समझ में आ चुकी होगी यहाँ से आपके एग्जाम प्रश्न बनेंगे कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या है वो एनालिटिकल है डिडेक्टिव मेथड है वो विचारों पर आधारित है वो वर्च्यू को सब कुछ मानता है कि गुण ही ज्ञान है और द रिपब्लिक में भी उसने या आपके द अकेडमी में भी उसने जो ज्ञान है उसको ज्यादा महत्व दिया नहीं है गुण को ज्यादा महत्व दिया है कि आपके पास वर्च्यू होनी चाहिए गुण होना चाहिए अगर व्यक्ति गुणवान होगा तो अपने आप ज्ञानवान होगा आपने गांव में सुना होगा पूत कपूत तो कहा धन संचय पूत सपूत तो कहा धन संचय व्यक्ति अगर गुणवान है तो खुद ही ज्ञानवान होता है तो गुणवान व्यक्ति पर अत्यधिक ध्यान दिया इसने व्यक्ति अगर गुणवान है तो वो अधिक से अधिक ज्ञानवान होगा तो गुणवान व्यक्ति पर अत्यधिक ध्यान देने का प्रयास करता है प्लेटो ठीक है गुणवान की बात अत्यधिक करता है सदगुण का शब्दिक अर्थ उत्कृष्ट है फर्स्ट ग्रेड के लिए है हाँ यामिनी शर्मा जी बिल्कुल है फर्स्ट ग्रेड के लिए हंड्रेड परसेंट आपके ये काम आएगा ये सभी के सभी ये सभी के सभी काम आएगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो सभी के सभी परीक्षाओं के लिए आपका बेहतरीन तरीका से ये कैसा है उपयोगी है ठीक है आप इसे अच्छे तरीका से पढ़ सकते हो आपको बेहद इसमें मजा आने वाला है ठीक है बेटा आपको इसमें बेहद मजा आएगा ठीक है, ग्रेट ना निखिल कुमार, आ, बेटा उसमें क्लास कल से चलेगी आज नहीं चल पाई है तो कल उसमें क्लास अपने आप चल जाएगी कल से उसमें क्लास चलेगी पॉलिटी की वाले में दो तीन क्लासेस मेरी रह गई हैं कल उसमें पढ़ाऊंगा मैं कल शनिवार को उसमें मॉर्निंग में ही क्लास ले लूंगा मैं कल आपकी दो तीन घंटे क्लास है निखिल कुमार ठीक है आज नहीं ले पाए उसमें डन बेटा तो चलिए ये प्लेटो के बारे में हो गई देखो प्लेटो अब प्लेटो की प्लेटो तो लोकतंत्र को मूर्खों का सिस्टम मानता है तो उसमें तो कोई विचार है ही नहीं आइए बात करते प्लेटो की क्या विचार है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक एक टॉपिक को लिखो प्लेटो का अध्ययन पद्धति प्लेटो की राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार निखिल मैंने आपकी बात समझ ली विद्या एजुकेशन में क्लास मेरी कल से चलेगी ऑफलाइन वाली राज्य की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द स्टेट आओ इस प्रश्न को एक बार देखने की कोशिश करते हैं देखो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार आप लोग हेडिंग डालें और लिखें राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार देखो प्लेटो क्या कहता है पहली बात तो आपको एक बात बता दू मैं प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या की बात करता है प्लेटो हमेशा आदर्श राज्य की बात करता है तो प्लेटो का जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो आदर्श राज्य पर डिपेंडेंट है प्लेटो ये कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है यह विकास का परिणाम है स्वाभाविक संस्था है राज्य नैतिक संस्था है ठीक है प्लेटो कहता है राज्य प्राकृतिक संस्था है राज्य एक नेचुरल बॉडी है इंस्टीट्यूशन है इट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इट इज द नेचुरल इंस्टीट्यूशन ठीक है देखो प्लेटो कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है मतलब राज्य जो है ये प्रकृति की देन है प्रकृति की देन है ये कहता है प्राकृतिक संस्था है प्रकृति ने इसको बनाया है और विकास का परिणाम है भाई पहले राज्य बना फिर धीरे धीरे विकास होते गया विकास होते गया राजा बना जनता बनी पहले आदमी पैदा हुआ पहले एक आदमी पैदा हुआ फिर तो दो आदमी पैदा हुए फिर तीन आदमी पैदा हुए फिर तो चार आदमी पैदा हुए फिर पांच आदमी पैदा हुए, तो पांच, हुए तो पांच से छह आदमी पैदा हुए फिर आदमियों का समूह बना समूह के बाद गांव बना गांव के बाद एक प्रकार से कह सकते हो कि छोटे छोटे जो हैं गांव के समूह बने इकट्ठे हुए और धीरे 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 विकास के साथ साथ एक राज्य की उत्पत्ति हो गई और एक स्वाभाविक संस्था है इट्स अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन मतलब ये एक प्रकार से स्वाभाविक तौर पर बनकर तैयार हुआ है एक रात में राज्य पैदा नहीं हुआ प्लेटो इस नहीं मानता प्लेटो कहता है कि प्रकृति के साथ इंसान बना तो राज्य की उत्पत्ति होती चली गई ना ऐसे भगवान ने बना के भेजा के एक साथ जो है राज्य आ जा जा जाएगा ठीक है ठीक है ये सारी बातें हैं बात समझ में आ रही नहीं आ रही है क्लियर नहीं आई तो राज्य को जो एक प्रकार से इसने बोला है कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है प्रकृति ने जनसंख्या बनाई है और जनसंख्या के साथ साथ राज्य बनता शुरू हो गया है प्लेटो के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है इस बात को मान लेना प्लेटो हमेशा राज्य को आइडियल और मोरल मानता है तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्लेटो का राज्य कैसा है तो प्लेटो का एक दो आइडियल स्टेट है प्लेटो का राज्य नैतिक राज्य है सुनेंगे प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद है देखो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझना क्या है प्लेटो के अनुसार प्लेटो के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है पहले आप इस बात को समझें प्लेटो राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है नैतिक का मतलब होता है मोरल इंस्टीट्यूशन प्लेटो राज्य को एक आइडियल आइडियल का अर्थ होता है आदर्श आदर्श राज्य प्लेटो इसे मोरल इंस्टीट्यूशन मानता है और आदर्श संस्था मानता है प्लेटो यह नहीं कहता कि राज्य आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ है प्लेटो यह नहीं कहता कि राज्य व्यक्ति को दंड देने के लिए पैदा हुआ है प्लेटो के राज्य में दंड का कोई स्थान नहीं है प्लेटो का जो राज्य है प्लेटो के राज्य में विधि का स्थान है लेकिन प्लेटो के राज्य में दंड का कोई स्थान नहीं है मतलब प्लेटो विधि को भी थोड़ा अलग तरीके से मानता है तो प्लेटो के राज्य में विधि और दंड है ही नहीं जैसे वर्तमान में आप राज्य देखते हो पुलिस दंडा चलाती है तो प्लेटो के राज्य में पुलिस का दंडा है ही नहीं प्लेटो के राज्य में पुलिस की मतलब ही नहीं है जैसे गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं ऐसे ही प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है प्लेटो के राज्य में न पुलिस का डंडा है ना मोदी का डंडा है न अमित शाह का डंडा है प्लेटो के राज्य में इस प्रकार का डंडा मशीन हथियार कि हम धमका देंगे मार देंगे ये सारी चीजें है ही नहीं ना प्लेटो के राज्य में ये है कि पुलिस आपके ऊपर लाठी चार्ज करेगी ये सब प्लेटो के राज्य में नहीं है तो प्लेटो का राज्य जो है वो विवेकशाली अधिनायकवाद की बात करता आप कहेंगे सर ये कैसे तो सुनो प्लेटो का आदर्श राज्य है नैतिक राज्य है प्लेटो कहता है कि मैं अपने नैतिक राज्य में नैतिक व दार्शनिक राजा स्थापित करूंगा और दार्शनिक राजा होगा वो दार्शनिक राजा अपने विवेक से विवेकशील अधिनायकवाद की बात करता है कहता है मैं पढ़ा लिखा राजा लेकर आऊंगा जो ना तो लोगों को डंडे से धमकाएगा जो ना लोगों पर चार्ज कराएगा जो ना लोगों पर पुलिस की जरूरत पड़ेगी ना लोगों को विधि चाहिए ये कहता है मैं ऐसा दार्शनिक राजा लेकर आऊंगा जो दार्शनिक राजा लोगों को क्या करेगा वो उसकी जो अफलॉसफी है उसका जो विवेक है उसके विवेक से लोग क्या करेंगे अपने आप ठीक रहेंगे तो इसे कहते विवेकशील अधिनायकवाद इसे कहते डिस्क्रिशनरी डिक्टेटरशिप यानी कि मोदी है अब मोदी कल को मोदी कल को यह कहें जी हम ही विवेकशील हैं सभी लोग मोदी की बात को ही मान लें तो क्या जरूरत पड़ेगी पुलिस की नहीं पड़ेगी ना तो प्लेटो ऐसा ही चाहता है कि मोदी ऐसे विवेकशील के कि सभी मोदी की बात को मान लें और मोदी की बात को सभी के सभी स्वीकार कर ले तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है प्लेटो कहता है कि विकास का परिणाम है ये राज्य को नैतिक संस्था मानता है राज्य को आदर्श राज्य मानता है और विवेकशील अधिनायकवाद की स्थापना की बात करता है तो आप छोटे छोटे पॉइंट में लिखते जाओगे सीधा यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा सीधा का सीधा ठीक है सीधा का सीधा प्रश्न बनेगा अब जैसे आदर्श राज्य है तो आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात प्लेटो ने सबसे पहले अपनी किताब द रिपब्लिक में की थी जो द रिपब्लिक है इसमें प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है और इसी में वो आदर्श राज्य की व्याख्या भी करता है और इसी में मेन्सर है देखो चार तत्व होते हैं राज्य जब भी आप बनाओगे तो राज्य के चार तत्व होंगे पहला तत्व क्या होगा कि जनसंख्या होनी चाहिए सेकंड तत्व क्या होगा कि एक भूभाग होना चाहिए तीसरा क्या होगा एक सरकार होनी चाहिए और चौथा क्या होगा कि राज्य संप्रभु होना चाहिए ये चार चीजें जब होंगी तब आप उसे राज्य कहेंगे एक तो जनसंख्या होगी एक भूभाग होगा एक सरकार होगी और चौथी है संप्रभुता चार एलिमेंट होने पर ही आप उसे राज्य कहते हैं तो प्लेटो ये कहता है प्लेटो की जो आदर्श राज्य की व्याख्या है वो द रिपब्लिक में करी गई है और द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या में जो जनसंख्या बताई गई है वो बताई गई है पांच हजार चालीस की जनसंख्या तो यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न कभी कभी बनता है चलिए मैं आपको बता देता हूं देखो जब भी कोई राज्य की स्थापना करोगे तो राज्य के चार एलिमेंट होते हैं ये चार एलिमेंट होने पर आप किसी चीज को राज्य कहेंगे यहां से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है अब चार एलिमेंट कौन से कौन से नंबर वन है आपकी जनसंख्या भाई जनसंख्या नहीं होगी तो आप कैसे राज्य की अंदाज लगाओगे बिन बिन जनसंख्या के नंबर सेकंड होता है आपका निश्चित भूभाग क्या आप निश्चित भूभाग नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे कि भाई ये राज्य है और तीसरा होता है आपकी संप्रभुता संप्रभुता और चौथा होता है आपकी सरकार क्या होता है सरकार ठीक है ये चार एलिमेंट ठीक है जनसंख्या निश्चित भूभाग संप्रभुता सरकार ये चार एलिमेंट होने चाहिए तब आप किसी चीज को राज्य कहेंगे तो जनसंख्या को बताता है वो पांच हजार चालीस ये इसने रिपब्लिक में डिफाइन किए तो आदर्श राज्य की संकल्पना में वो जनसंख्या को बताता है और सरकार में राजा की बात करता है तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं देखो ये आदर्श राज्य है तो द किताब है द रिपब्लिक ये द रिपब्लिक बुक है इसमें इसने आदर्श राज्य की व्याख्या की है इसने इसमें साफ तौर पर बताया कि आदर्श राज्य क्या होगा तो व्याख्या करता है तो रिपब्लिक के प्रधान पात्र देखो तीन है आदर्श राज्य की बात करता है और आदर्श राज्य में ये कहता है कि प्लेटो जो है बेसिकली basically... प्लेटो तो एक बात मानता है प्लेटो कहता है कि व्यक्ति राज्य का बृहद रूप है तो प्लेटो राज्य और व्यक्ति में अंतर नहीं करता तो पॉलीमार्कस एंडीमेंटस और ग्लोकोन ये जो आप देख रहे हो तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों इसके कैरेक्टर हैं पॉलीमार्कस, एंडीडेम एडीमेंटस एंड ग्लोकोन ये तीनों के तीनों इसके क्या हैं? इसके कैरेक्टर हैं। प्लेटो के जिसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना करी है देखो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है ना एक सिंपल बात समझना इसको समझाने से पहले मैं छोटी बात आपको समझा रहा हूं जैसे इंडिया है अब इंडिया कैसा राज्य है आप कहेंगे इंडिया आदर्श है कि नहीं है भाई वर्तमान में कौन सा राज्य अच्छा है आप कैसे बताओगे कहोगे सर पाकिस्तान भाई कल को पाकिस्तान वाले भी कहते हैं हम तो बहुत अच्छे तो प्लेटो कहता था कि किसी भी राज्य का अंदाज वहां की जनसंख्या से लगता है जनसंख्या और जनसंख्या का मतलब था प्लेटो का समाज से तो प्लेटो कहता था कि राज्य समाज का बृहद रूप है बृहद रूप जैसा कहीं का समाज होगा वैसा ही राज्य होगा प्लेटो का मानना है कि राज्य समाज का बृहद रूप है तो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि किसने ये बोला है कि राज्य जो है समाज का बृहत रूप है प्लेटो यह कहता है कि राज्य समाज का बृहत रूप है बड़ा रूप है ठीक है और प्लेटो कभी भी राज्य को समाज से अलग नहीं मानता बहुत सारे विचारक मानते हैं राज्य अलग है समाज अलग है प्लेटो कहता है कि जैसा समाज है जैसा पाकिस्तान का समाज है नीच निकम्मा वैसा ही पाकिस्तान देश है प्लेटो कहता है और वैसा ही वहां का राजा होगा प्लेटो कहता है कि अगर इंडिया में समाज खराब है तो देश भी समाज से खराब ही होगा प्लेटो ये नहीं कहता कि समाज में डंडा दे दे के आप समाज को सुधार दोगे देश सुधर जाएगा प्लेटो कहता है कि जैसा समाज है वैसा ही राज्य होगा तो प्लेटो ने समाज और राज्य में किसी प्रकार का अंतर पैदा नहीं करता है वो तीनों वर्गों को समूह को समान एक प्रकार से मानता है और प्लेटो कहता है कि राज्य राज्य के इक्वल ही क्या है आपकी समाज है तो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता वो समाज का बृहद रूप ही राज्य को मानता है तो उत्तर में डिफ्रेंसियन की बात ही नहीं रह जाती है बेटा यहां तक आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं मुझे पहले बताएंगे यहां तक आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं सभी के सभी बेटा कमेंट करके बताएंगे यहां तक आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही है? मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा टॉपिक टिपिकल है लेकिन यहां तक की चीजें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं अब आपकी क्लासेस डेली डेली चला करेंगी ठीक है इसी चैनल पर चला करेंगी आपकी समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही बेटा एक कमेंट करके सभी के सही मुझे बताएंगे आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट और नॉट क्या आपकी समझ में बातें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं यस सर और विद्यार्थी जो हमारे पेड़ वाले हैं आपकी समझ में बातें आ रही हैं नहीं आ रही एकदम पॉइंट क्लियर हो रहा है एमसीक्यू इसी के ऊपर बनेंगे देखो रिपब्लिक के जो तीन पात्र हैं जिनमें आदर्श राज्य की बात करी है इनके बारे में आप आगे भी जानोगे एक तो है पॉलीमार्कस एक है एंडीमेंटस एक है ग्लोकोन ये तीन पात्र हैं तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है के तीन पात्र कौन से हैं तो एक तो है पॉलीमार्कस एक है एंडीमेंटस एक है ग्लोकोन ये तीन पात्र हैं यहां से भी आपके एग्जाम में अच्छे प्रश्न आ सकते हैं ठीक है ये विवेक साहस और क्षुदा की बात करते हैं कहता है कि जिसके अंदर विवेक होगा वो दार्शनिक बनेगा जिसके अंदर साहस होगा वो शौर्य का काम करेगा और जिसके अंदर क्षुदा होगी वो उत्पादन का कार्य करेगा तो पॉलीमार्कस एंडीमेंटस और ग्लूकोन ये तीन इसके आदर्श राज्य के पात्र हैं यस सर समझ में आ रही है डॉक्टर संजीव राजपूत जी बहुत बढ़िया राजू सर यस सर यस सर, सर। ठीक है अनुराय बेटा बाकी सभी विद्यार्थी क्लास में हैं हमारे बाकी सभी विद्यार्थी क्लास में हैं बेटा हमारे ऑल ज्वाइंट क्लास ऑल ज्वाइंट सभी क्लास में है बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया एकदम क्लियर हो गया है यहां तक ये यहां से प्रश्न बनेगा इनके नाम पूछेगा अब आता है ओरिजिन ऑफ स्टेट ओरिजिन ऑफ स्टेट राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तो मैं आपको पढ़ा चुका ये उसी बात को हमने रिपीट क्यों कर दिया देखो प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन है ये मैं आपको पढ़ा चुका कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है जैसा समाज होगा वैसा ही व्यक्ति होगा ये प्लेटो इस बात को कहता है ये आपने जान ली अब आती है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स विश्व के दो प्रकार प्लेटो के अनुसार दुनिया के कितने प्रकार हैं तो प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स विश्व के प्रकार तो प्लेटो के अनुसार आप देखेंगे तो विश्व के दो प्रकार हैं प्लेटो विश्व को दो प्रकार का मानता है जो प्लेटो है ये विश्व को दो प्रकार का विश्व मानता है कहता है कि विश्व के दो प्रकार है प्लेटो के अनुसार विश्व के कितने प्रकार हैं तो प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं एक आता है विचारों की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ है भौतिक वास्तविक दुनिया फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड तो दो प्रकार के विचारों की दुनिया की बात दो प्रकार की दुनिया की बात करता है अगर आपसे प्रश्न पूछे प्लेटो के अनुसार कितने प्रकार तो के विश्व हैं तो प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार हैं ठीक है एक तो आती है विचारों की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एक आता है फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड तो आप इसको देखोगे तो ये जो मन दिमाग वाली बात करता है ये विचारों की दुनिया है एक आता है फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड तो प्लेटो दो प्रकार के विचारों की बात करता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड दो प्रकार की थ्योरी है विश्व को दो प्रकार से प्लेटो बांटता है ठीक है दो प्रकार से इसको प्लेटो मारता है पॉइंट क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे फिजिकल एंड रियल वर्ल्ड और भौतिक वर्ल्ड देखो आइडियाज का वर्ल्ड कौन सा होता है जहां विचारों का विचारों का प्रदान होता है जहां विचार प्रमुख है विचार और भौतिक और वास्तविक दुनिया होती है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आप ये मानकर चलिए कि जहां पर भौतिकतावाद जरूरी है जैसे कि आपने देखा गाड़ी आप चला रहे हो तो भौतिक दुनिया है घर आप बना रहे हो भौतिक दुनिया है कार में आप चल रहे हो भौतिक दुनिया है अच्छे विचार विचार की दुनिया है अच्छी गाड़ी अच्छा बंगला अच्छी चीजें ये सब क्या है ये सब भौतिक वास्तविक दुनिया है जिसे आप रियल वर्ल्ड कहते हो तो प्लेटो ने दो प्रकार की दुनिया की बात की है अरे, या ना।, अरे या ना बताओ मेरे प्यारे भाइयों अरे ना बताओ भौतिक दुनिया और वास्तविक दुनिया यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा चलिए तत्कालीन जो यूनान था तत्कालीन यूनान में युग में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे तो एक तो आपने विचार पढ़ लिया दो प्रकार की दुनिया के बारे में बात करता है अब आते हैं कि ज्ञान और राय की बात करेंगे वो तो अलग ही पॉइंट हो गया कभी कभी प्लेटो के सत्य पे विचार पूछे जाते हैं कि प्लेटो सत्य के बारे में क्या कहता है प्लेटो के सत्य पे विचार कि प्लेटो सत्य के बारे में क्या कहता है तो यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि प्लेटो के सत्य के बारे में क्या विचार है देखो एक तो हैल्टिस तो तत्कालीन जो यूनान था उस समय का जो यूनान था उसमें एक तो हेरोकल्टिस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है एक है पैरामिंडस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है देखो दो प्रकार के विचार थे उस समय जो यूनानी वर्ल्ड था इसमें दो प्रकार के विचार थे एक तो था हैरा कल्टिस यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है तो यह कहता था कि दुनिया जो है ना वो निरंतर परिवर्तनशील है दुनिया में परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं ये बोलता था हैरा कल्टिस यह सत्य के बारे में बोलता था कि दुनिया में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और एक विचार पैरामेंडिस का इसके अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अप्रिवर्तनशील होता है ट्रथ इज ऑलवेज परमानेंट एंड अनचेंज ठीक है अनचेंज बात समझना कैसे के अनुसार विश्व निरंतर परिवर्तनशील है विश्व हमेशा बदलता रहता है बदलता रहता है बदलता रहता है विश्व हमेशा चेंज होता रहता है विश्व हमेशा बदलता रहता है तो कुछ भी सत्य नहीं है कुछ भी परमानेंट नहीं हैरो मानता था कुछ भी परमानेंट नहीं है दुनिया में दुनिया हमेशा बदलती रहती है आज जो सत्य है वो कल असत्य हो जाएगा और जो कल सत्य होगा वो परसों सत्य हो जाएगा पैरामेंडिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है और पैरामेंडिस मानते हैं कि तो सत्य है ये हमेशा स्थायी होता है सत्य हमेशा सत्य रहता है जैसे मृत्यु है तो मृत्यु हमेशा सत्य है और ये सत्य है कि आदमी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी तो पैराम कहता है कि मृत्यु एक सत्य है उसको होना ही होना है वो हंड्रेड परसेंट होती होती है और हेराकोल्टिस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है इनके अनुसार जो है के अनुसार, दुनिया जो है वो कुछ भी सत्य परिवर्तनशील है हमेशा होता ही रहता है अब प्लेटो के जो सत्य के ऊपर विचार है वो दोनों को सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है प्लेटो ने दोनों को मिक्स कर दिया है उसने हेराकेटिस को और पैरामेंडिस के दोनों के विचारों को प्लस कर दिया है प्लेटो के जो सत्य के संबंध में विचार हैं तो प्लेटो दोनों को एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है और देखो प्लेटो क्या कहता है सामंजस्य प्लेटो कहता है कि सत्य स्थाई है प्लेटो कहता है कि सत्य कैसा है सत्य स्थाई है प्लेटो के अनुसार सत्य कैसा है सत्य हंड्रेड परसेंट स्थाई है परंतु उसकी परछाई हमेशा परिवर्तित होती रहती है उसकी जो परछाई है ना वो बदलती रहती है प्लेटो कहता है कि सत्य तो हमेशा स्थायी है भाई सत्य तो कभी नहीं बनता अगर मृत्यु एक सत्य है अगर किसी आदमी ने कहा कि खराब खाना आप खराब खाना खाओगे तो लीवर फेल हो जाएगा आपकी किडनी फेल हो जाएगी तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी लीवर फेल हो जाएगा एक सत्य है तो प्लेटो कहता है कि सत्य स्थायी होता है सत्य कभी भी नहीं बदलता सत्य हंड्रेड परसेंट स्थायी होता है ये प्लेटो कहता है कि सत्य हमेशा स्थायी रहता है सत्य कभी नहीं बदलता परंतु इसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है परछाई क्या हो गई भाई आपने कहा कि लीवर खराब हो जाएगा खाना खाने से यह सत्य है अब आप कहते हो कि गुरु जी ये वाला खाना खाने से तो लीवर खराब नहीं होगा थोड़ी मिर्च खाने से लीवर खराब नहीं होगा आप एक काम करो मिर्च को किसी और फॉर्मेट में ले लो तो लीवर खराब नहीं होगा तो सत्य की परछाई है सत्य नहीं है परछाई है तो प्लेटो कहता है कि सत्य की परछाई हमेशा बदलती रहती है सत्य कभी नहीं बदलता उसकी परछाई बदलती रहती है तो उसने दोनों के विचारों में सामंजस्य स्थापित करने की बात कर दी दोनों के दोनों विचारों को इसने एक जगह पर रोक दिया और दोनों में इसने सामंजस्य स्थापित करने की बात कर दी अरे हाँ या ना मेरे भाई बताओ आप सभी के सभी अरे हा या ना ओ मेरे भाई सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे अरे हाँ या ना ठीक है क्लियर बोलो मेरे भाइयों अरे हाँ या ना बताओ भाई भाई सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी के सभी एकदम क्लियर और नॉट क्लियर अरे हाँ या ना क्लियर ना तो ये हो गया सत्य पे प्लेटो के विचार सत्य जो है प्लेटो के सत्य प्लेटो कहता है कि सत्य की परछाई बदलती रहती है और सत्य स्थाई है। देखा? सामंजस स्थापित किया गया सत्य स्थाई होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है प्लेटो का चिंतन मूल उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण था न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना ठीक है तो प्लेटो का जो मूल उद्देश्य था वो आदर्श राज्य की स्थापना करना था प्लेटो कोई जो है एथेंस और स्पार्टा का अध्ययन नहीं कर रहा था प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती है ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्लेटो विचारों पे महत्व देता है प्लेटो को है वो वर्चुअ विचार विचार पर अधिक महत्व तो देता है प्लेटो जो है वो ज्ञान को राय से अलग करता है प्लेटो कहता है देखो अब ज्ञान अलग है, राय अलग राय प्लेटो कहता है विचार होने चाहिए प्लेटो का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आइडिया पर है प्लेटो कहता है कि विचार जो है ये प्रमुख है प्लेटो विचार को प्रमुख मानता है और कहता है प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं वस्तुएं विचारों के माध्यम से बनती हैं अगर आपके मन में विचार नहीं आएगा कि टीवी होना चाहिए तो कैसे होगी मेरे किसी के मन में विचार आया होगा कि डिजिटल बोर्ड होना चाहिए तो विचार आया बना किसी के मन में विचार आया कि टैप पेन होना चाहिए तो विचार आया तो बना किसी के मन में विचार आया कि ये इस पर पीपीटी बननी चाहिए तो बनी तो प्लेटो कहता है कि दुनिया जो है ना ये विचारों का ही रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थॉट्स ठीक है बेटा ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स अरे हाँ या ना ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स ठीक है मेरे भाई क्लियर हो गया ये पॉइंट है नहीं हुआ अरे हाँ या ना यहाँ तक कोई डाउट किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए अब आता है नॉलेज और राय में क्या अंतर है देखो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है पहले आपने यहां तक समझ लिया कि विचार तत्व तो होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती है यहां तक के आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो कि नहीं समझ चुके इसमें कोई डाउट नहीं है प्लेटो विचारों पर बहुत ध्यान देता है ज्ञान और राय में अंतर अब प्लेटो ज्ञान और राय में अंतर की बात करता है कि ज्ञान क्या है और राय क्या है ठीक है प्लेटो ज्ञान और राय में अंतर करता है देखो क्यों प्लेटो कहता है कि राय अस्थायी है परंतु ज्ञान स्थायी और निर्वकार होता है देखो आपको किसी चीज का ज्ञान है तो प्लेटो कहता है ज्ञान तो स्थायी है ज्ञान कभी बदलता नहीं है लेकिन आपकी राय बदल जाती है फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर पॉलिटी का ज्ञान है तो पॉलिटी का ज्ञान है तो वो बदलेगा नहीं जो ज्ञान है वो है लेकिन अगर आपकी राय है कि महात्मा गांधी जी अच्छे थे या खराब थे तो अगर आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा तो महात्मा गांधी के ऊपर आपकी राय बदल जाएगी कि वो अच्छे थे कि खराब थे ठीक है तो राय परिवर्तित होती है और ज्ञान स्थायी होता है सदगुण के ऊपर ये कहता है कि सदगुण 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 जो होता है के भी दो रूप हैं राय पर आधारित सदगुण और ज्ञान पर आधारित सदगुण प्लेटो ने स्वीकार किया है कि सदगुण ज्ञान की सीढ़ी है इस बात को समझना देखो पहले आपने एक चीज देखी वर्च्यू इज नॉलेज प्लेटो कहता है कि सदगुण ही ज्ञान है और प्लेटो कहता है कि सदगुण भी दो प्रकार का होता है एक तो राय पर आधारित सदगुण और एक होता है ज्ञान पर आधारित सदगुण प्लेटो कहता है कि भैया जो ज्ञान पर आधारित सदगुण होता है वही अच्छा होता है तो आप ऑब्जेक्टिव में सीधा प्रश्न पाओगे जो ज्ञान पर आधारित सदगुण है वही अच्छा होता है उसी सदगुण को अच्छा माना जाता है जो सदगुण ज्ञान पर आधारित होता है बाकी साधे सदगुण कैसे होते हैं ये खराब है ठीक है तो ज्ञान पर आधारित सदगुण को हमेशा अच्छा मानता है क्लियर क्लियर राय पर आधारित सदगुण और ज्ञान पर आधारित सदगुण प्लेटो ने यह स्वीकार किया है कि सदगुण ज्ञान की सीढ़ी है ठीक है वो कहता है सदगुण होना चाहिए सदगुण होना चाहिए परंतु वो कहता है कि अगर राय पर आधारित सदगुण है तो बदल जाएगा परंतु ज्ञान पर आधारित सदगुण है तो कभी नहीं बदलेगा इसीलिए वो सदगुण पर ज्यादा जोड़ देता है कहता है सदगुण तो होना ही चाहिए राय पर आधारित है वो भी ठीक है ज्ञान पर आधारित है वो भी ठीक है तो प्लेटो राय को परमानेंट नहीं मानता कहता है ओपिनियन कैन बी द नॉलेज इज ऑलवेज फिक्स्ड और वर्च्यू उसको गुण जो है उसको वो हमेशा ध्यान देता है ठीक है यहां तक की बात आपके समझ में आ रही है प्रार्थना मेलोरिया शेयर करो सभी यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा एकदम पॉइंट क्लियर हो गया तो ये पॉलिटिकल विचारक है राजनीतिक विचारक हैं आप इसको ऐसे पढ़ें जैसे पेड़ में बैठ रहे हैं आप किसी प्रकार से इसको ऐसे ना पढ़ें जैसे कि आप इसको बाद में पढ़ रहे हैं आप इसको पेड़ में ओपिनियन इज मीडियम बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस ठीक है तो ओपिनियन बीच की चीज है तो ओपिनियन इज द मीडियम बिटवीन द नॉलेज एंड इग्नोरेंस आपको ज्ञान है और आपको विचार है तो ओपिनियन जो होती है वो अज्ञान और ज्ञान के बीच का एक वो है अज्ञान और ज्ञान के बीच का किसी आदमी के पास विचार है अगर महात्मा गांधी खराब है अगर आपको ज्ञान होगा तो अच्छा हो सकता है और अधिक अज्ञान होगा तो और खराब हो सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब प्लेटो कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है चलो ये तो अलग ही टॉपिक हो गया जो संरक्षक वर्ग है जो राजा बनेगा उसको वर्च्यू होनी चाहिए उसके पास सदगुण होना चाहिए और सदगुण होना चाहिए तो सदगुण जो है उसी से, से उसके अंदर ज्ञान आएगा और ज्ञान आएगा तो वो पूरे के ऊपर राज कर पाएगा तो चरित्र में सदगुण जो है ये बहुत जरूरी है अगर सदगुण होगा तो व्यक्ति राज कर पाएगा इसीलिए प्लेटो का राजा सदगुणी राजा है सदगुणी प्लेटो का राजा वर्चुफुल राजा है सदगुणी प्लेटो का राज्य आदर्श राज्य है और आदर्श का मतलब है ऐसा जिसके अंदर वर्च्यू हो वो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है अरे हाँ या ना ठीक है राज चौहान गुड इवनिंग बेटा ठीक है यहां तक की बात आप सभी की समझ में आ गई ये बताओ इस चैनल का आपके पास नोटिफिकेशन गया था क्या इस चैनल का आप सभी के पास नोटिफिकेशन गया था क्या इस चैनल का आप सभी के पास हाँ इस प्रकार चाकू से काटना लेकिन अच्छे से काटना बिल्कुल बिल्कुल इस चैनल का नोटिफिकेशन आप सभी के पास गया था तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी क्या क्या चीजें पढ़ी तो ये हो गया आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता अब आगे पढ़ेंगे समाज का वर्गीकरण प्लेटो समाज को तीन प्रकार से बांटता है गार्जियन सोल्जर और वर्कर्स प्लेटो की समाज के तीन आयाम है प्लेटो कहता है कि एक तो समाज में गार्जियन है जो सबका ख्याल रखने के लिए पैदा हुए जिसे आप कहते हैं गार्जियंस जैसे राजा ये गार्जियन है एक होते सोल्जर जो सबको बचाने के लिए पैदा हुए एक होते वर्कर जो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए प्लेटो तीन प्रकार के बताता है ये देखो एक गार्जियन है राजा ये कौन है सोल्जर है, और ये कौन है देखो एथेंस लिखा है ये कौन है ये वर्कर है तो प्लेटो ने व्यक्ति को तीन प्रकार से बांटा है क्लास सिस्टम ऑफ प्लेटो रिपब्लिक प्लेटो ने रिपब्लिक में समाज के तीन वर्ग बता दिए इन तीन के बारे हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा है प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में बांटा है अब तुम एक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे प्लेटो कहता है कि जो गार्जियन वर्ग है ना जो संरक्षक वर्ग है यही संरक्षक वर्ग के पास अत्यधिक क्या होना चाहिए वर्चु होना चाहिए सदगुण होना चाहिए और कौन सा सदगुण ज्ञान पर आधारित होना चाहिए तो प्लेटो का राज्य सदगुणी राज्य है प्लेटो का राजा सदगुणी राजा है प्लेटो का राज्य आदर्श राज्य है प्लेटो का राज्य ज्ञान आधारित राज्य है यहां तक आपने समझा प्लेटो ने जो है दुनिया में जो तो विचार चल रहे थे कि सत्य कैसा है तो सत्य परिवर्तनशील है कि अपरिवर्तनशील है प्लेटो सत्य को स्थायी मानता है परंतु प्लेट सत्य, प्लेटो सत्य की छाया को परिवर्तनशील मानता है ठीक है सत्य पर विचारोगे प्लेटो ने विश्व के दो प्रकार बताए हैं एक विचारों की दुनिया और एक भौतिक दुनिया ठीक है क्लियर ना प्लेटो कहता है कि जैसा समाज होगा वैसा ही राज्य होगा तो प्लेटो समाज और राज्य को कैसा मानता है प्लेटो समाज और राज्य को एक जैसा मानता है दोनों में कोई अंतर नहीं करता कहता है कि समाज का ही बृहद रूप राज्य है और व्यक्ति का बृहद रूप समाज है तो बूंद बूंद से बनता है सब कुछ इसलिए प्लेटो कहता है कि राज्य में व्यक्ति सदगुणी होना चाहिए तो समाज सदगुणी होगा और राज्य सदगुणी होगा ठीक है तो दोनों को एक ही मानता है आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो ने तीन कैरेक्टर दिए रिपब्लिक किताब में उसने आदर्श राज्य की स्थापना की है। मैंने आपको पॉलीमार्कस, एडिमेंटस और तीन आपको विभाजन बताए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्लेटो के विचार क्या थे हमने डिस्कशन किया कि प्लेटो कहता है कि राज्य प्रकृति की देने और एक विकास का परिणाम है एक दिन में बनकर राज्य पैदा नहीं हुआ और प्लेटो शासन प्रणाली की विवेकशील अधिनायक बात पर विश्वास करता है कहता है कि एक विवेकशील व्यक्ति को राजा बनाओ और उसी के अंडर राज्य चलेगा प्लेटो विधि को नहीं मानता है कानून को नहीं मानता है प्लेटो कहता है दंड को नहीं मानता है प्लेटो कहता है ऐसा राजा बनाओ जो पूरी दुनिया को अपने गुणों से ही कंट्रोल में कर ले ना तो डंडा चलाए ना कोई कानून बनाए ऐसे राज्य की स्थापना की प्लेटो बात करता है प्लेटो का अध्ययन पद्धति विश्लेषणात्मक है ऐतिहासिक है प्लेटो ने अकेडमी खोली एथेंस में खोली प्लेटो की अकेडमी पर लिखा था कि गणित का ज्ञान जरूरी है और प्लेटो सदगुण को ही ज्ञान मानता है ये मैं आपको पढ़ा चुका बता चुका क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ प्लेटो की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है प्लेटो लोकतंत्र को खराब मानता है प्लेटो ने स्टेटमेंट में सर्वोत्तम समावित राज्य का उल्लेख किया ठीक है स्टेटमेंट इसकी किताब है और ये प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ प्लेटो की महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक द स्टेटमेंट द लॉज फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस पोलिटिकल फिलोसफी है the Republic, the the Loss, Political Science, Political प्लेटो पॉलिटिकल फिलोसफी प्लेटो को अफलातून कहते हैं अफलातून प्लेटो को आप लोग के नाम से जानते हैं प्लेटो को प्लेटो की उपाधि उसके गुरु सुकरात के द्वारा दी गई थी तो प्लेटो नाम किसने दिया था सुकरात ने प्लेटो नाम दिया था ठीक है प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्टोक्लीज क्या नाम था अरिस्टोक्लीज और प्लेटो ने जो है और जानते थे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी यानी कि राजनीतिक शास्त्र के दर्शन का पिता प्लेटो को कहा जाता है बस हमने इतनी चीजों का डिस्कशन किया और हमने आज यही सारी चीजें डिस्कस की आप में से कोई पेड़ बैच के लिए इंटरेस्टेड है तो एट सेवन ट्रिपल जीरो सेवन एट नाइन वन सेवन पे आप कॉल करके पॉलिटिकल साइंस का पेड़ बैच आप ले सकते हैं ये यह यहां पर आपको पूरा का पूरा पेड़ बैच आपको मिल जाएगा इस नंबर पे आप कॉल करेंगे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी ठीक है न्याय भय का शिशु है एक ग्लोकोन ने कहा था बिल्कुल अच्छी बात है डॉक्टर राज संजीव जी बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप तो आप जो है सर आपके चैनल का नोटिफिकेशन नहीं आते बाकी चैनल के आते हैं क्यों इसका भी नोटिफिकेशन नहीं गया इसका नोटिफिकेशन गया आपके पास इसका नोटिफिकेशन गया है इस चैनल का नोटिफिकेशन गया आप लोगों के पास नहीं गया ये चैनल हमारा नया है ठीक है एकदम नया चैनल है ठीक है मेरे प्यारे भाइयों चलिए मिलते हैं कल फिर इसी एनर्जी जोश के साथ तो यहां आपको क्लासेस मिलती रहेंगी इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए ये चैनल न्यू है सर हाँ ये चैनल एकदम नया है आपकी बुक कभी तक नहीं मिली मुझे एक मंथ होने को आ गया अनिकेत एक्चुअली जो किताब है ना उस किताब में कुछ करेक्शन हो रहे हैं तो मैं एक बुक बनवा के दे रहा हूँ को आप डाउनलोड कर लो निकलवा लो पर किताब थोड़ा वेट कर लो उस किताब ही आपको पूरी मिलेगी पॉलिटी की सिंह जी सर ठीक है ठीक है है भाई प्रार्थना अब आपको ये जो क्लास है ये आपको पेड में भी मिल जाएगी एज इज बिल्कुल ठीक है ये ने, टी ने नहीं दिया ग्रुप में आया था इसका नोटिफिकेशन जो है वो इस चैनल का चेक ठीक है मेरे प्यारे भाइयों मिलते हैं इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों को शेयर कर दो इस चैनल पे आई एस एस और यूजीसी नेट वगैरह क्लासेस आप नमस्कार प्यारे साथियों मैं चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ तो, हम, तो हमने प्लेटो के बारे में कुछ जानकारियां ली थी कल हम बात कर रहे थे प्लेटो के बारे में और कल से हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि प्लेटो ने जो है वर्गीकरण जो किया है वो चार पार्ट में वर्गीकरण किया है प्लेटो ने व्यक्ति के जो समाज का वर्गीकरण है चार पार्ट में किया है कल मैं आपको यहां से बात बताने वाला था कलम यहां से डिस्कशन करने चीजों का लग रहे थे आप सभी को नमस्कार जो जो बच्चे आ चुके हैं तेजवीर सिंह साधावाद राधे राधे सर फौजदार अनिकेत करण चौधरी सर राधे राधे सर राधे राधे राजकुमार सोनिया ये चैनल पर कौन सी भी क्लास चल रही है बहुत बहुत बढ़िया ठीक है स्वागत है भाई सभी का मेरी क्लास में आप सभी बच्चे क्लास में आ चुके हैं जो हमारी पेड बैच में एडमिशन लिए कहा गया बेटा इसमें लिंक ओके ठीक है बहुत बहुत बढ़िया सभी का स्वागत है क्लास में ठीक है क्लियर आप सभी जुड़ जाइए क्लास में एक बार आप सभी जुड़ जाइए क्लास में एक बार ठीक है बहुत बहुत बढ़िया राधे 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 टू ऑल ऑफ यू तो आज हम प्लेटो का पार्ट टू पढ़ेंगे प्लेटो का पार्ट टू बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजेदार है आपको बड़ा है अच्छा लगेगा इसको देखो कल तक हमने क्या सीखा कल तक तुमने सीखा कि प्लेटो व्यक्ति को समाज का हिस्सा मानता है और प्लेटो कहता है कि समाज जो है वह समाज राज्य का छोटा रूप है यानी कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है प्लेटो कहता है कि व्यक्ति व्यक्ति से ही राज्य का निर्माण हुआ है छोटे छोटे व्यक्ति बने तो राज्य बना प्लेटो कहता है कि समाज और राज्य दोनों एक जैसे ही हैं। तो प्लेटो समाज और राज्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं करता है वो दोनों को समान मानता है पारसाउ प्रार्थना राजेश नौर्तन बहुत बहुत नमस्कार ठीक है वो इन तीनों वर्गों को वो बिल्कुल मतलब समान मानता है अब उसने क्या किया उसने समाज का वर्गीकरण किया तो उसने समाज के तीन पार्ट किए देखो पहले मैं आपको बताया कि इथेंस के पहले दो पार्ट थे एक स्पार्ट्रा यानी यूनान के पहले दो पार्ट थे एक स्पार्ट्रा और एक एथेंस एथेंस जो था उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे और स्पाट्रा जो था उसमें आप लोग नोटिस करेंगे कि उसमें बाहुवली यानी कि ऐसे लोग ज्यादा थे जो इन चीजों में कार्य करते थे कि जो चीजें वैसी होती हैं तो दोनों में एक बेसिक अंतर आपको देखने को मिला स्पाट्रा और किसके बीच में एथेंस के बीच में तो प्लेटो समाज को राज्य का रूप मानता है कहता है जैसी आपकी समाज अब मान के चलो आप भी कहते हो कि भाई जैसी समाज वैसा व्यक्ति होता है जैसा परिवार वैसा व्यक्ति होता है जैसे व्यक्ति वैसा परिवार होता है और जैसे उस गांव में परिवार होंगे वैसा गांव होता है और वैसे गांव होंगे ऐसा समाज होता है जैसा समाज होगा वैसा राज्य होता है जैसा राज्य होगा वैसा देश होता है और जैसे देश होंगे वैसी दुनिया होती है तभी तो आप कहते हो भगवान दुनिया खराब हो गई तो प्लेटो कहता है कि व्यक्ति जो है ना उससे समाज का निर्माण होता है अब प्लेटो ने समाज का जो वर्गीकरण किया है समाज में तीन प्रकार की आत्माओं की प्लेटो बात करता है प्लेटो कहता है कि दुनिया में तीन प्रकार की आत्माएं जन्म लेती हैं द क्लास सिस्टम ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक तो प्लेटो ने जो क्लास सिस्टम की बात करी है वो उसने कहा है कि तीन प्रकार का क्लास सिस्टम है अब प्लेटो ने ये सारी बातें रिपब्लिक में की हैं तो रिपब्लिक में प्लेटो ने तीन प्रकार के अंतर किए हैं एक तो है गार्जियन एक तो है गार्जियन तो गार्जियन होते वो enorme, जिन्हें प्लेटो कहता है एक तो संरक्षक वर्ग है जो सबकी संरक्षक करेगा प्लेटो कहता है कि एक है सोल्जर वर्ग जो सबकी रक्षा करेगा प्लेटो कहता है कि एक है वर्कर्स जो सबके काम करेंगे तो प्लेटो ने तीन वर्ग बना दिए अब जो संरक्षक वर्ग है तो एग्जाम में प्रश्न यहां से सीधा सीधा बनता है कि प्लेटो की रिपब्लिक में समाज का वर्गीकरण कितने वर्गो में किया गया है तो प्लेटो की रिपब्लिक में समाज का जो वर्गीकरण है वो तीन वर्गों में किया गया एक है आपकी गार्जियन संरक्षक दूसरा है आपके रक्षक और तीसरा है आपके वर्कर यानी कि कार्य करने वाले लोग तो यहां से एक सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि प्लेटो ने Uh, समाज का वर्गीकरण कितने हिस्सों में किया है ठीक है प्यारे बच्चों समझ में आ रही मेरे प्यारे दोस्तों बात आपकी या नहीं यह बात आपकी समझ में आ गई या नहीं है बताओ मेरे प्यारे भाइयों एकदम पॉइंट सभी के दिमाग में क्लियर है गोली की तरह हाँ बिल्कुल ऐसे क्लियर रहना चाहिए ऐसी चीजों को आप समझो यहां से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनकर तैयार होगा एकदम बेसिक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बनेगा ठीक है बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई अब देखो जो गार्जियन वर्ग है ना ये विवेकशाली वर्ग है इसके पास विवेक होगा ये विवेकशाली वर्ग है इसके पास बुद्धि होगी तो बुद्धिशाली वर्ग है जो आपका गार्जियन बनेगा और जो रक्षा करेगा जो रक्षक वर्ग है ये थोड़ा रक्षक वर्ग जो होगा ना इसके पास साहस होगा यानी कि साहस के, के माध्यम से जो रक्षक वर्ग बनेगा जैसे छत्रीय है तो साहसशाली है और जो वर्कर होगा इसके अंदर क्षुदा होगी यानी कि इसके अंदर काम करने की ज्यादा इच्छा होगी धन कमाने की इच्छा होगी तो ये कौन होगा ये वर्कर होगा बेटा कमेंट्स लगाओ इसको आपने कहा कि वर्कर वर्ग होगा तो तीन कैटेगरी में उसने डिवाइड कर दिया और समाज में तीन प्रकार की आत्माएं जन्म लेंगी बहुत बहुत बढ़िया गुड इवनिंग भाई मोहम्मद नमीद जी गुड इवनिंग अमरावती जी गुड इवनिंग माई सर चेस सर गुड इवनिंग सोनिया जी जी सर बात बेटा समझ में आ रही है बहुत ही बेसिक बेसिक से पॉइंट है बेटा आप अच्छे प्रकार से इन चीजों को समझ सकते हैं तो यही तीन इसने रूप समाज के दिखाए बार -बार प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में याद रखनी है प्लेटो की पुस्तकें रिपब्लिक उसमें प्लेटो ने सारी की सारी बातचीत करी थी अब देखो एक छोटा सा मैं आपको ग्राफ समझाता हूं अब इसे समझने की कोशिश करना जिससे आप और चीजों को जान पाओगे देखो ये तीन चीजें हैं अब तीन चीजें हैं तो इसने बोला है जो गार्जियन होंगे ना गार्जियन यानी जो संरक्षक वर्ग होगा वो दिमाग से काम करेगा तो संरक्षक वर्ग के दिमाग दिमाग होगा विजडम होगी और प्राइड होगा उसके पास तीन चीजें होंगी एक तो वो सच पर विश्वास करेगा सच सच से वो प्रेरित होगा ट्रस्ट से और उसके पास विजडम होगी मतलब उसके हो पास विवेक होगा और उसके पास प्राइड होगा ठीक है तो ये गार्जियन वर्ग जो है वो दिमाग से काम करेगा तो उसने कहा जिसके पास दिमाग ज्यादा होगा वो विवेकशाली होगा वो गार्जियन होगा और सेकंड उसने बोला कि जिसके पास करेज होगा यानी कि साहस होगा जिसके पास एनर्जी होगी ऊर्जा होगी वो व्यक्ति जो यहां से काम करेगा जिसका हृदय बड़ा होगा वो सोल्जर होगा यानी कि वो स्प्रिटेड होगा ऑनर थे उसे प्रायर चाहिए जिसका बड़ा हृदय होगा वो कौन होगा वो आपका सोल्जर होगा और जिसको अधिक आनंद चाहिए आनंद की प्राप्ति जो चाहता है इसे अधिक आनंद चाहिए इसको अधिक ऑनर चाहिए समाज में प्रतिष्ठा चाहिए चाहिए इसको सच चाहिए। सच को स्थापित करने चाहता है तो कहा कि जिसका पेट बड़ा होगा जिसका पेट बड़ा होगा जिसकी भूख बड़ी होगी जिसको ग्रीड लगी होगी जो बढ़िया टाइप का होगा वो कार्य करेगा वो बरकर होगा तो प्लेटो ने ये तीन प्रकार के सेक्शंस को डिवाइड कर दिया एक दिमाग वाला एक पेट वाला और एक जो है नीचे वाला ये तो दिमाग वाला हृदय वाला यानी कि जिसका हार्ट बड़ा होगा जिसका माइंड होगा और जिसका पेट होगा पेट वाला कहा कि ये तो बनिया आदमी है ये क्या करेगा अधिक से अधिक कमाएगा इसकी भूख ज्यादा होगी ये सोल्जर आदमी है जिसका हृदय बड़ा होगा इसका हृदय बड़ा होगा ठीक है बुद्धिमता वर्ग हो गया ऊपर वाला और ये हो गया जिसका पेट बड़ा होगा तो प्लेटो ने इनके तीन क्लास में बांट दिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से जो क्वेश्चन बनेगा आप समझ पाओगे यहां से जो भी प्रश्न बनेगा आप इसे समझ पाओगे और आसानी से आप इसे जो है सॉल्व कर पाओगे बड़ी आसानी से प्रश्नों को आप यहां से क्रैक कर सकते हो बड़े प्यार से प्रश्न यहां से आपकी समझ में आ जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज इसमें जानने के लिए पीछे नहीं होती है बताओ भाई यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो भाई अरे हाँ या ना यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अरे हाँ या ना बोलो भाई क्लियर यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही अरे हाँ या ना बोलो क्लियर और नॉट क्लियर क्लियर ना ठीक है चलो आइए अब अगले पे बात करते हैं अगली चीज को जानने की कोशिश अब यहां पर देखो जरा इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है प्लेटो कहता है कि जो वर्ग बनेंगे कैसे बनेंगे प्लेटो ने बोला है प्लेटो के जो आदर्श राज्य की बात है तो प्लेटो कहता है जो वर्ग बनेंगे इन वर्गों के स्थापना के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है प्लेटो कहता है कि अगर कोई साहस वाला बनेगा कोई विवेक वाला बनेगा कोई ज्यादा कमाने वाला बनेगा प्लेटो कहता है कि इन सब के लिए शिक्षा व्यवस्था सबसे आवश्यक है तो प्लेटो इन सबके लिए शिक्षा व्यवस्था की बात करने की बातचीत करता है प्लेटो कहता है इसके लिए आपको शिक्षा व्यवस्था चाहिए शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही तय किया जाएगा कि किस व्यक्ति को किस समूह में भेजा जाएगा प्लेटो पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला या आर्ट माना गया है समझो मेरी बात ध्यान से बेटा प्लेटो का जन्म हाँ ठीक है ये सब चीजें पढ़ चुके हैं हम अब कमेंट आपके प्रॉपर तरीका से आ रहे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं चलिए कोई बात नहीं है सभी के सभी बढ़िया है है तो प्लेटो कहता है, ये सारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बात करता है प्लेटो कहता है इन सब का निर्धारण जो है वो शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा शिक्षा इन सभी का निर्धारण करेगी शिक्षा द्वारा ये सारी की सारी चीजें तय की जाएंगी शिक्षा इन सभी बातों को तय करेगी प्लेटो जो है अपनी शासन व्यवस्था को एक आर्ट माना गया प्लेटो कहता है जिस आदमी को शासन करना आता है ना वो एक कला है प्लेटो शासन को एक कला मानता है और प्लेटो कहता है कि आप पहले व्यक्ति को शिक्षा दो प्लेटो कहता है कि अगर व्यक्ति को शिक्षाएं आएंगी तो प्लेटो क्या होगा प्लेटो कहता है कि तब व्यक्ति क्या होगा जिसके पास जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा वो अपने ज्ञान के आधार पर वो क्या करेगा अपने गुण के आधार पर प्लेटो कहता है कि ऐसा व्यक्ति राजा बनेगा और जिसके पास ज्यादा साहस होगा वो व्यक्ति सैनिक बनेगा जिसमें ज्यादा विवेक होगा प्लेटो कहता है कि ज्यादा विवेकशाली व्यक्ति राजा बनेगा जिसमें ज्यादा क्षुदा होगी कमाने की इच्छा होगी ऐसा व्यक्ति बनिया बनेगा प्लेटो कहता है कि अगर इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करोगे तो न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी प्लेटो कहता है कि शिक्षा प्लेटो का स्टेटमेंट है सुनना प्लेटो कहता है कि शिक्षा और साम्यवाद यह कथन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्लेटो कहता है कि शिक्षा और साम्यवाद द्वारा ही राज्य या न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी शिक्षा और साम्यवाद द्वारा ही न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी न्यायपूर्ण राज्य अब साम्यवाद का मतलब क्या है न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना होगी तो कभी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटो किस प्रकार के न्याय की स्थापना की बात करता है द डायरेक्शन विच एजुकेशन स्टार्ट मैन विल बी डिटरमाइन इन इस फ्यूचर लाइफ प्लेटो साफ तौर पे कहता है शिक्षा और साम्यवाद तो यहां पर साम्यवाद का मतलब है कि जो आदमी जिस कार्य को करने के लिए पैदा हुआ है प्लेटो कहता है वो आदमी उसी कार्य को करेगा और प्लेटो कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे अगर आप शिक्षा दोगे आदमियों को शिक्षा दोगे साम्यवाद और शिक्षा और साम्यवाद के माध्यम से आप न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर पाओगे आप न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना कर पाओगे आइडियल स्टेट आइडियल स्टेट यानी कि आदर्श राज्य की स्थापना कर पाओगे प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य ही न्यायपूर्ण राज्य है और न्यायपूर्ण राज्य ही आदर्श राज्य है यह प्लेटो का स्टेटमेंट है आगे सुनिए प्लेटो कहता है कि सामने बात अगर आप नहीं करोगे प्लेटो के अनुसार कोई मोची कोई कोई नाई ये कभी राजा नहीं हो सकता प्लेटो बोलता है कि जिस आदमी में जो गुण है वही आदमी उस गुण के अनुसार राजा हो सकता है अदरवाइज कोई व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई पहले मुझे बताओ सभी के सभी कमेंट करके जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरी क्लास को सभी के सभी कमेंट करके बताएं बोलो सर क्लास में है ठीक है सभी के सभी हाँ। कमेंट करके बताएं कि हाँ ठीक है के सभी के सभी क्लियर लीजिए सर ठीक है ठीक है सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे प्रॉपर तरीका से आपकी समझ में सारी की सारी बातें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं बोलो मेरे भाई आपकी समझ में सारी की सारी बातें आ रही हैं या नहीं आ रही है इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में तो नहीं है मुझे बताओ भाई बताओ भाई सभी प्रकार की बातें आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है ठीक है क्लियर एक बच्ची पूछ रही है सर प्लेटो का जन्म कब हुआ इस पर थोड़ी क्लियरिटी कर दीजिए बेटा अन्नू राय पूछ रही होगी ये अन्नू के दिमाग में चीजें ज्यादा चलती हैं तो अन्नू ऐसी चीजों को ज्यादा पूछती है जब इसमें लिखा है चार ईसा पूर्व मैंने सोचा मैंने गलत तो नहीं लिखाया तुमने कौन सी क्लास में चार पढ़ा है उस किताब का तुम नाम बताओ 428 ईसा पूर्व में ही प्लेटो का जन्म हुआ था तो तुम अलग अलग बातें क्यों कर रही हो चार जिस भी किताब में लिखा है मैंने अपने नोट्स में देखा तुरंत आपके सामने 428 मैंने आपको पहले भी बताया है और 428 ही आपका एक्चुअल आंसर है आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे ये बड़ी ही परिषकृत तरीका से चीजें तैयार की गई हैं इसमें किसी प्रकार के तथ्य को गलत होने की संभावना नहीं है आप अपने दिमाग को कम चलाएं ठीक है अदरवाइज मैं क्लास से आपको ब्लॉक करा दूंगा प्लेटो के विचारों की केंद्रीय रचना समझिए अब बात अब प्लेटो का न्याय का सिद्धांत अगला हेडिंग है तो प्लेटो ने राज्य के बारे में आपने पढ़ लिया कि प्लेटो किस प्रकार के आदर्श राज्य की बात करता है प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है प्लेटो कहता है शिक्षा और साम्यवाद के माध्यम से ही आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है ओपी गामा में दिया उसको आप छोड़ दीजिए चार सो राइट है वो किताबों में जो लिखा रहता है और ये कभी पूछा भी नहीं जाता अब उसके जन्म की तिथि वो क्या होगी चार ही ज्यादा परिष्कृत है ज्यादा ही शुद्ध है आप उस पर ध्यान न दें अब अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत देखो इसका मतलब है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस आपने प्लेटो के राज्य का सिद्धांत पढ़ लिया कि प्लेटो राज्य के बारे में क्या कहता है अब हम बात करते हैं ऑफ जस्टिस कि प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है देखो प्लेटो के जो विचार है ना न्याय के ऊपर जो विचार है वो उसकी रचना है द रिपब्लिक द रिपब्लिक में उसने पूरी की पूरी एक प्रकार से न्याय के बारे में बातचीत करी है और न्याय प्लेटो का न्याय यही है कि जो आदमी जिसके लिए पैदा हुआ है वो उस कार्य को करे तो कर्तव्य आधारित न्याय की बात प्लेटो करता है प्लेटो प्लेटो कहता है 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 की जो है, ये जो रिपब्लिक रिपब्लिक ये किताब इस किताब में प्लेटो ने न्याय की बात करी है तो कभी आपसे पूछा जाए कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कौन सी किताब में, में है? तो द रिपब्लिक में प्लेटो के न्याय का सिद्धांत है इसका जो शीर्षक है वही है न्याय मीमांसा कंसर्निंग जस्टिस इसका जो शीर्षक है वो न्याय मीमांसा है प्लेटो के विचारों की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक है जिसका शीर्षक है न्याय मीमांसा कंसर्निंग जस्टिस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि द रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत को किस नाम से दर्शाया गया है तो ये दर्शाया गया है न्याय मीमांसा ठीक है <laughs> ऐसा कुछ नहीं है अनु करो बेटा ऐसे ही गुस्सा हो गया था ठीक है तो न्याय मीमांसा ये प्रश्न कई बार पूछा गया इसे आप बोलते कंसर्निंग जस्टिस कई बार एग्जाम में पूछा गया प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है जब कौन है क्या हुआ है जब आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है ये कहा गया है कि जो प्लेटो का न्याय है ना वो कर्तव्य पर आधारित है हाई सान्या उपाध्याय हाउ यू प्लेटो का जो न्याय है वो कर्तव्य पर आधारित है प्लेटो कहता है कि जिस आदमी का जो कर्तव्य है अगर उस कर्तव्य का वो आदमी पालन करता है तो हंड्रेड परसेंट सही है जैसे मोची का कर्तव्य क्या है जूते गठना जैसे राजा का कर्तव्य क्या है सही शासन करना जैसे सैनिक का कर्तव्य क्या है देश की रक्षा करना जैसे व्यापारी का कर्तव्य क्या है अधिक से अधिक धन का संचय करना और व्यापार करना तो प्लेटो का न्याय कर्तव्य आधारित न्याय है न्याय मीमांसा जस्टिस कंसर्निंग इसी के बारे में बात करती है कि प्लेटो कहता है कर्तव्य आधारित न्याय तो जो प्लेटो ने समाज के वर्गीकरण किए प्लेटो ने समाज में साहसी व्यक्ति को कहा कि तुम योद्धा बनिए बुद्धिशाली व्यक्ति को कहा तुम राजा बनिए जिसका पेट है उसको कहा तुम बनिया बनिए प्लेटो कहता है कि जो आदमी अपने कर्तव्य का निर्धारण कर रहा है वही व्यक्ति कंप्लीट न्यायशाली है और कोई भी न्यायशाली नहीं है तो ये प्लेटो ने आधुनिक न्याय की संकल्पना ये इसमें मेंशन करी है ये कर्तव्य पर आधारित है तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि प्लेटो का न्याय कि सिद्धांत किस पर आधारित है तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य पर आधारित तो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत कि कि किस पर आधारित है प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य पर आधारित है ठीक है बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ये एक सीधा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का नाम क्या है कंसर्निंग जस्टिस न्याय मीमांसा कौन सी किताब में दिया है रिपब्लिक में दिया है प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है ये कर्तव्य पर आधारित है जबकि अगर मैं आज की बात करूं तो वर्तमान की जो आधुनिक न्याय की संकल्पना है वो अधिकारों पर आधारित है अगर आप वर्तमान की बात करोगे जो आधुनिक न्याय का सिद्धांत है वो अधिकारों पर आधारित है कैसे देखो आज आप न्याय किसे कहते हो आप कहते हो सर हमें ना हमें ना बोलने का अधिकार दिया गया है और हमें बोलने का अधिकार मिलना चाहिए इसीलिए आप न्याय की बात करते हो आप कहते हो मेरे साथ न्याय नहीं हुआ आप कहते हो हमें समानता मिलनी चाहिए मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है आप अधिकारों की बात करते हो जो वर्तमान न्याय का सिद्धांत है वो अधिकारों पर आधारित है आप कहते हो मुझे दूसरी शादी करनी है मेरा मन कर रहा है ये लड़की मुझे पसंद आ रही है इसको मैं पसंद आ रहा हूं हम दोनों बहुत प्यार करते हैं लेकिन माई लॉर्ड मेरे भगवान हमें न्याय दो आप अधिकारों की मांग कर रहे हैं वर्तमान जो न्याय का सिद्धांत है वो अधिकारों पर आधारित है वर्तमान जो न्याय का सिद्धांत है वो अधिकारों पर आधारित है आप अधिकारों की मांग करते हो आप सैलरी चाहते हो आप वेतन चाहते हो आप नौकरी चाहते हो आप छोकरी चाहते हो आप वर्तमान चीजें अधिकार चाहते हो अधिकार चाहते हो तो वर्तमान न्याय का सिद्धांत अधिकारों पर आधारित है और जो पुराना जो मीमांसा यानी कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो कर्तव्यों पर आधारित है ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई बात समझ में आई या नहीं आई अरे हाँ या ना क्लियर ना प्लेटो जो है ये मान के चलो प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपना अपना हक दिलाना या प्रत्येक व्यक्ति जो अपना कार्य करता है हां मीमांसा का मतलब है नियमों का संग्रह न्याय मीमांसा आप मीमांसा मतलब कलेक्शन ऑफ रूल्स जब किसी भी नियमों को इकट्ठा कर दोगे तो आप उसे मीमांसा कहते हो मिंटू कुमार सही बता रहे हैं। तो इस इस अपर हाँ उसी को आप मीमांसा के नाम से जानते हो कितना बच्चा हमारा लाइव में जुड़ा हुआ है एक बार टेक्निकल टीम देखकर कर बताए कितना बच्चा हमारे लाइव में देख रहा है बहुत बढ़िया नए चैनल पे बेटा सभी की सभी लाइक करते चलो क्लास को इसमें लोगो उठाओ मूवी शिक्षा का ठीक है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द मूवी शिक्षा ना इट इज पार्ट ऑफ यूपीएससी शिक्षा और प्लीज कंसर्न दिस पॉइंट अगेन अगली बार इसे याद रखना आप ठीक है चलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है इस बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेहतरीन तरीका से बातों को समझने की कोशिश करें ठीक है चलिए देखो जीएस सेवन अपनी कृति तो दो प्रश्न बन गए दो तीन प्रश्नों को उत्तर समझ में आ गया जीएस सेवन की कृति हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जी एच की कृति है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में सिवाइन कहता है कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है यानी कि प्लेटो की बातों को बहुत सारे राजनीतिक विचारक डिफाइन करते जी एच सिवाइन ये कहता है हस्ट्रीओ पोलिटिकल थ्योरी में कि प्लेटो जिस न्याय की बात करता है प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है गिविंग टू एवरी मैन इज ड्यू इज जस्टिस गिविंग टू एवरी मैन इज ड्यू इज जस्टिस यानी कि एवरी मैन हर आदमी का जो ड्यू है हालांकि सेवाइन कहता है कि प्लेटो भी अधिकार की बात करता है लेकिन वो मिक्स कर देता है सेवाइन प्लेटो की बात को वो आधुनिक काल से जोड़ देता है प्लेटो की बात को ठीक है तो ये इसको परिभाषित इस प्रकार से करता है ठीक है प्लेटो के अनुसार वैसे आप देखोगे तो आत्मा का गुड़ ही न्याय है प्लेटो कहता है कि जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ सोल ऑफ इंडिविजुअल आपकी जो आत्मा है ना आत्मा का जो क्वालिटी है वही न्याय है अब आपकी आत्मा की क्वालिटी क्या है आप साहसशाली हैं आपको साहस आपको सैनिक बनने का मौका मिल रहा है आप विवेकशाली हैं तो आपको राजा बनने का मौका मिल रहा है आपका पेट बहुत बड़ा है तो आपको कमाने का मौका मिल रहा है तो प्लेटो के अनुसार एक्चुअल न्याय ये है। तो प्लेटो कहता है कि व्यक्ति का जो गुण है ना उसके अनुसार उसे न्याय मिलना चाहिए वो प्लेटो उसको न्याय मानता है तो प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय की बात कर रखी है ये आपको जरूरत नहीं है प्लेटो के देखो प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की आत्मा का गुण है का मतलब है कि व्यक्ति की जो आत्मा होती है ना सोल ऑफ इंडिविजुअल उसकी सोल का जो गुण है वही न्याय है प्लेटो ने तात्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित सोफिस्ट पॉलीमार्कस थेमिक्स ग्लूकोन के न्याय सिद्धांत का खंडन किया ये सोफिस्ट पॉलीमार्कस थेमिस ग्लूकोन ये आप ये कह सकते हैं कि ये ये तत्कालीन यूनानी समाज के प्रचलित न्याय के सिद्धांत थे और इनका इसने क्या किया इसने इसका पूरी तरीका से खंडन किया प्लेटो ने इन सभी विचारों को नहीं माना क्योंकि अलग-अलग विचार है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं ये क्या-क्या कहते हैं देखो सोफिस्ट जो होते हैं

विचारों में कैफिलास के अनुसार सत्य बोलना ऋण चुकाना ही न्याय है यानी कि आप सत्य बोलोगे ऋण चुकाओगे न्याय ठीक है ठीके? चलो बहुत बढ़िया तो देखो ये अलग 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 विचारक हैं सर विद्या एजुकेशन पर आप दस दिन से लगातार वीडियो देख नोट्स बना रहे हैं बहुत मजा आ रहा है पॉलिटी पढ़ने में आपसे मंटू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद दे दो उसको ये काम भी ठीक है आपका जैसा कोई नहीं अच्छा मूवी से अच्छा फैन क्लब ऐसी बात है मेरे प्यारे भाई बातों को समझने की कोशिश करो देखो सोफिश कहता है कि सत्य बोलना ऋण चुकाना ही न्याय है अब सोफिश ने कहा कि सत्य बोलोगे और ऋण चुकाओगे यही न्याय है आप जितना ज्यादा सत्य बोलोगे उतना ज्यादा ऋण चुकाओगे वही न्याय है सोफिस्ट कहते आज वर्तमान में आप देखते हो कि वर्तमान में लोग कहते हैं भाई आप सत्य बोलो झूठ मत बोलो यही न्याय है तो सोफिस्ट मानते थे कि सत्य बोलना और झूठ बोलना झूठ चुकाना ही न्याय है लेकिन प्लेटो ने इस बात को नकार दिया प्लेटो ने कहा नहीं सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय नहीं है प्लेटो ने कहा आपकी आत्मा का जो गुण है उसको आप पूरा कर पा रहे हो तो न्याय है अदरवाइज न्याय नहीं है ठीक है तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटो ने सोफिस्ट पॉलीमार्कस, पॉलीमार्कसिमिक्स थे, या ग्लूकोन के विचारों को स्वीकार किया अस्वीकार किया सिंपल सी बात है एक लाइन में आप आंसर दोगे अस्वीकार किया इनके विचारों को प्लेटो ने अस्वीकार किया प्लेटो ने इनके विचारों का जो है खंडन किया ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा चलिए आइए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं इसको आप बड़े ध्यान से समझना देखो ये क्या है देखो आप समझो पार्ट ऑफ सिटी रूलर्स ये प्रोड्यूसर्स ये तीन मार दिए प्लेटो ने तीन सेक्शन डिवाइड किए प्लेटो ने कहा कि ये जो आदमी है ये तो रूलर्स है यानी कि जो क्या जो सासन करेंगे जो शासन करेंगे शासन करने वाले प्लेटो ने कहा ऑक्सिलर्स होते हैं वो लोग जो रक्षा करते हैं जो रक्षा करते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग जो उत्पादन करते हैं क्या करते हैं उत्पादन करते हैं जस्टिस इन बोथ स्टेज इन द साउल डूइंग ओन वर्क डूंग नॉट नॉट मेल्डिंग विद द व्हाट इज नॉट वंस ओन देखो प्लेटोन बोलता है कि जिस आदमी के पास जो वर्च्यू है अब वर्च्यू समझते उसे कहते हैं अब गुण जैसे जो रूलर है जो शासन करने वाला है उसके पास साहस का गुण है और जो रक्षा करने वाला है उ, मतलब उसके पास बिजरंब वाले के पास दिमाग का यानी विवेक का गुण है जो शासन करने वाला है उसके पास विवेक का गुण है जो रक्षा करने वाला है उसके पास साहस का गुण है और जो उत्पादन करने वाला है उसके पास मॉडरेशन का गुण है यानी कि उत्पादन करने का गुण है तो इनकी जो वर्च्यू है वर्च्यू का मतलब होता है गुण अब अपने गुण के अनुसार ये कारण देता है इसकी स्प्रिट होता है इसको भूख होती है अपने गुण के अनुसार अगर इसको कार्य करने को मिल जाए तो प्लेटो कहता है यही हंड्रेड परसेंट न्याय है प्लेटो कहता है यही हंड्रेड परसेंट क्या है न्याय है ठीक है प्लेटो कहता है यही हंड्रेड परसेंट न्याय यही हंड्रेड परसेंट न्याय है बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई प्लेटो इसी को हंड्रेड परसेंट न्याय मानता है बात समझ में आ गई ना क्लियर ना चलिए अगले वाले की बातचीत करते हैं और अगले वाले में जानने की कोशिश करते हैं आइए अब मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश मैं करूंगा और बात क्या है देखो बारकर क्या कहता है सुनो बारकर के अनुसार प्लेटो, प्लेटो ने बारकर क्या कहता है प्लेटो के बारे में प्लेटो ने व्यक्तिवादी अणुवादी भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है बारकर कहता है कि प्लेटो ने व्यक्तिवादी न्याय अणुवादी न्याय भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया है प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपरा प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता लेकिन प्रत्येक परिस्थितियों में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता देखो कितनी अच्छी बात है भाई हर व्यक्ति जो है सत्य बोले व्यक्तिवादी अणुवादी और भौतिकवादी न्याय की मान्यता का खंडन किया है मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्लेटो का ये जो व्यक्तिवादी न्याय क्या है न्याय क्या है उस समय न्याय के विचार प्रचलित थे व्यक्तिवादी विचार व्यक्ति सच बोले व्यक्ति झूठ ना बोले अणुवादी विचार भौतिकवादी विचार, इन तीनों का प्लेटो खंडन करता है। प्लेटो ने ये जो है इस मान्यता का खंडन किया है कि सत्य का मतलब सच का मतलब सत्य का पूर्ण ज्ञान या परंपराओं का आपको ज्ञान है वही न्याय है प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता प्लेटो यह नहीं कहता कि आपको किसी चीज के बारे में पता चल गया तो भाई वो सत्य का आपको ज्ञान प्राप्त हो गया नहीं प्लेटो ये नहीं कहता कि, कि आपको सत्य का परंपराओं को आप मान रहे हो प्रथाओं को आप मान रहे हो तो आप उसे सत्य कहेंगे भाई फॉर एग्जाम्पल है आपने कोई कार्य किया अब आप कहते हो मैं सत्य कार्य कर रहा हूं सही कार्य कर रहा हूं तो प्लेटो कहता है कि सत्य का जो ज्ञान है वो परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता प्लेटो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर परिस्थिति में सत्य बोलोगे तो आप न्यायपूर्ण होगे प्लेटो कहता है आपने महाभारत देखा है तो महाभारत में जो था वो सत्यवादी था अब प्लेटो को न्यायवादी भी कहते थे लेकिन प्लेटो यह कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में सत्य बोले तो युदुष्टर न्यायवादी होगा नहीं प्लेटो कहता है कि अगर आप न्यायवादी हैं, या आप कह रहे हैं कि आप न्यायपूर्ण हैं तो आपको हर परिस्थिति में सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है तो ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो वो कहता है कि देखो ये न्याय परिस्थिति झूठ सच इसको प्लेटो न्याय मानता ही नहीं है प्लेटो कैसा बेकार है कि झूठ बोलना है सच बोलना है और ऋण चुकाना है कर्ज चुका देना है इसी को प्लेटो इसको मानता ही नहीं है प्लेटो कहता है ये सभी की सभी चीजें बेकार हैं प्लेटो इस बात पे बिल्कुल भी न्याय नहीं मानता प्लेटो इसको बेसिक मानता है प्लेटो इसे न्याय की संकल्पना में नहीं मानता क्लियर अरे हाँ या ना तो प्लेटो इसको किसी भी लेवल पे न्याय नहीं मानता पॉलीमार्कस के अनुसार देखो हर इन विचारकों ने न्याय की संकल्पना के बारे में बात करी है प्लेटो के ऊपर शत्रु के साथ शत्रुता मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है पॉली मार्कस कहता है कि प्लेटो कहता है कि शत्रु के साथ शत्रुता करो और मित्र के साथ मित्रता करो यही न्याय है यही जस्टिस है अपनी विचार नहीं कह रहा पॉली मार्कस कह रहा है कि यही न्याय है इसी न्याय की स्थापना प्लेटो करने की बात करता है हा या ना बताओ भाई बताओ इसको प्लेटो इसको प्लेटो न्याय मानता है हालांकि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत थोड़ा इससे अलग है पॉली मार्कस का ऐसा विचार है कि शत्रु के साथ शत्रुता करो और मित्र मित्रता करो उसी को आप न्याय कहेंगे ये मार्कस का विचार है लेकिन आप प्लेटो को जान चुके हो आप प्लेटो को समझ चुके हो ठीक है तो आप प्लेटो के बारे में याओ आओ इस बात पर एक बार ये सब आपने न्याय के सिद्धांत को देख लिया चलो अब बात करते अरस्तु और प्लेटो के बारे में जो न्याय का सिद्धांत है इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहां से आपको अच्छे से अच्छा प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलता है आइए अरस्तु ने प्लेटो पर यह आरोप लगाया है कि उसने मानव प्रकृति के स्वाभाविक कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं दिया और आदर्श राज्य के नाम पर उसने केवल कल्पना लोक उटोपिया की रचना की है देखो बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है अरस्तु है जो आप फोटो देख रहे हो ये अरस्तु है ये अरस्टेटल है अरस्तु अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के ऊपर देखो सुक्रात था सुक्रात का जो शिष्य था, था वो प्लेटो था और प्लेटो का जो शिष्य था वो था अरस्तु तो अरस्तु तो ने प्लेटो के ऊपर ये आरोप लगाया है कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात करी वो स्वाभाविक कमजोरियों क्यों ध्यान नहीं दिया उसने कहा वो कहता है कि विवेकशाली व्यक्ति राजा बनेगा वो कहता है कि जिसके अंदर विवेक होगा वही राजा बनेगा तो अरस्तु ने कहा कि प्लेटो ने स्वाभाविक तौर पर जो मानव कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया और प्लेटो जिस प्रकार के राज्य की स्थापना की बात करता है वो प्लेटो का जो राज्य है वो प्लेटो का राज्य काल्पनिक राज्य है कल्पना लोक की रचना की प्लेटो ने बातचीत करी है ऐसा अरस्तु कहता है तो सुनो यहां से प्रश्न कैसे बनता है प्रश्न बनता है कि क्या अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना को क्या मानता है अरस्तु प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना को कल्पना लोक मानता है प्रश्न बनता है कि हाँ रिपब्लिक बुक गुम गई थी क्या सर सबके अलग अलग विचार कैसे हैं रिपब्लिक बुक गुम गई थी क्या अमरावती ऐसा नहीं है अब गांधी जी क्या कहते थे गांधी जी के विचार आप वर्तमान में देखते हो तो गांधी जी के विचार अलग 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 हैं इसी प्रकार आप देखेंगे तो गांधी जी के विचार जब वर्तमान में अलग अलग हैं तो उसी according जो है <coughs> उसी अकॉर्डिंग जो है लोग उसे अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रटेट करने की कोशिश करते हैं गांधी के विचारों को उसी तरह अरस्तु ने प्लेटो के विचारों को पहले इंटरप्रटेज करने की कोशिश की उसके बाद सभी विचारकों ने प्लेटो को अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की जब व्यक्ति नहीं होता है तो उसके विचार जो है वो परिभाषित किए जाते उनकी व्याख्या अपने अनुसार की जाती है हर व्यक्ति ने उसे अपने अपने अनुसार व्याख्या करने की कोशिश की तो जो इसका शिष्य है ना अरस्तु वही प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना को नहीं मानता है कहता है आदर्श राज्य कल्पना लोक है आदर्श राज्य की स्थापना की नहीं जा सकती है तो अब जरा पढ़ते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा है और किस प्रकार से चीजों को प्लेटो पाने की कोशिश करता है चलिए न्याय समझ में आ गया प्लेटो का न्याय क्या है देखो प्लेटो के न्याय के दो पहलू हैं आप <laughs> जनरली देखोगे तो, तो प्लेटो के न्याय के दो पहलू हैं फिर मैं आपको गुफा सिद्धांत पढ़ाऊंगा प्लेटो का गुफा सिद्धांत तो प्लेटो के न्याय के दो पहलू हैं देखिए यहां से समझिए जो प्लेटो का न्याय है उसके दो पहलू हैं पहला है व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा है सामाजिक स्तर पर एक तो प्लेटो कहता है आप व्यक्तिगत स्तर की बात करना प्लेटो कहता है कि व्यक्ति में तीनों गुणों का सामंजस्य होता है आपके अंदर साहस भी है आपके अंदर विवेक भी है और आपके अंदर वासना भी है देखो विवेक यहां रहता है साहस यहां रहता है और वासना यहां रहती है वासना मतलब हर चीज पाने की इच्छा धन कमाने की इच्छा बनिया आदमी में वासना होती है साहसशील आदमी में हृदय होता है विवेकशील आदमी में मस्तिष्क होता है प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत लेवल पर व्यक्तिगत लेवल पर हर आदमी में काल्पनिक राज्य था हाँ व्यक्तिगत लेवल पर हर आदमी में तीनों प्रकार की चीजें होती हैं ये प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर एट द इंडिविजुअल लेवल हर व्यक्ति के पास सारी की सारी चीजें होती हैं व्यक्तिगत स्तर पर कहता है व्यक्तिगत स्तर पर अध्यात्मी के पास सारी की सारी चीज होती है सामाजिक स्तर पर एट द सोशल लेवल अलग प्रकार का न्याय है ठीक है तो कहता है एक तो है न्याय के दो पहलू हैं एक तो व्यक्तिगत लेवल पर न्याय है कि अगर मैं साहसी हूं तो मुझे साहस की नौकरी मिलनी चाहिए अगर मैं अगर मैं वासना वाला हूं तो मुझे वासना वाली कमाई की नौकरी मिलनी चाहिए प्लेटो कहता है व्यक्तिगत लेवल पर एक तो न्याय की बात करता है एक कहता है सामाजिक स्तर पर कहते हैं समाज में तीनों वर्ग है भाई देखो समझो प्लेटो ने पहले ही कहा कि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है तो प्लेटो कहता है कि समाज में तीनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं समाज में तीनों ही वर्ग हैं प्लेटो कहता है कि तीनों वर्गों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है तो प्लेटो ने दो बातें कर दी तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लेटो के न्याय के कितने पहलू हैं तो प्लेटो के न्याय के दो पहलू आपको नजर आएंगे दो पहलू पहला व्यक्तिगत स्तर पर प्लेटो क्या कहता है और दूसरा सामाजिक स्तर पर तो प्लेटो सामाजिक स्तर पर कहता है कि आप अपने कर्तव्य का निष्पादन करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें प्लेटो इसकी बात करता है ठीक है क्लियर हो गया पॉइंट प्लेटो का न्याय नैतिकता से प्रचालित है जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा प्रचालित है देखो प्लेटो का जो न्याय है वो नैतिकता से प्रचालित है यानी कि मैंने आपसे पहले बताया प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है प्लेटो का न्याय कहता है कि नैतिकता जिस व्यक्ति में जो गुण है इंडिविजुअल जो वर्चू है उस वर्चु के अनुसार व्यक्ति उसे पाने की कोशिश करेगा ठीक है बहुत बढ़िया जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा प्रचालित है प्लेटो कहता है के जो मॉडर्न न्याय है जो आधुनिक न्याय है ये विधि के द्वारा परिचालित है यानी कि जो विधि जैसा लॉ होगा जैसा कानून होगा उसी के द्वारा चीजें चलेंगी प्लेटो कहता है कि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है लॉ से चीजें चल रही हैं, नैतिकता से नहीं चल रही हैं। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता समानता और अधिकार में कोई संकल्पना नहीं है प्लेटो ने न तो स्वतंत्रता को कुछ माना न समानता को माना न अधिकार को कुछ माना प्लेटो इन तीनों चीजों को <coughs> कुछ नहीं मानता प्लेटो कहता है कर्तव्य सबसे बड़ी चीज है वो कहता है कि आपको अधिकार नहीं कर्तव्य चाहिए आपको समानता नहीं कर्तव्य चाहिए आपको स्वतंत्रता नहीं अपने कर्तव्य का पालन चाहिए तो ये प्लेटो इस पर विश्वास करता है प्लेटो इस बात पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जाहिर करने की कोशिश करता है बहुत ही बढ़िया इस क्लास पर जो है अधिक से अधिक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते चले नया चैनल है आप सभी विद्यार्थियों को बताएं और जितने ज्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा उत्साह साहस एनर्जी सभी आप लोगों के लगाने का मेरा मन करेगा तो मेरी उम्मीद मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को क्या करें आप सभी के सभी बच्चे जो हैं इस क्लास को अधिक से अधिक क्या करें हाँ मतलब जो है मैं देख लेता हूँ कितना बच्चा आपकी वॉचिंग में है इस समय अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को आप लाइक शेयर क्या करें अधिक से अधिक बच्चे क्लास को जोड़ा करें तो आपको मजा आएगा जैसे आपको मजा आएगा तो फिर चीजों को आप उसी अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे और डेली 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 आप एक्टिव तरीका से चैनल से जुड़ते चले जाओगे उसी तरीका से बच्चा आता चले जाएगा तो चैनल आपका पूरा पोलिटिकल साइंस के ओरिएंटेड हो जाएगा ठीक है अरे हाँ या ना तो मेथ ऑफ समझ में आ गया क्लियर है ना पॉइंट यहां तक की बात समझ में आ गई अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में अगला जो टॉपिक है अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं प्लेटो का गुफा सिद्धांत प्लेटोज वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट में मिथ ऑफ केव थ्योरी ऑफ एलोगोरी बहुत ही बढ़िया है प्लेटो का गुफा सिद्धांत समय क्या हो रहा है प्लेटो का गुफा सिद्धांत ठीक है आइए 16 टारगेट सो प्लस लाइक शेयर भाई आप सभी पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं अपने बच्चों तक पहुंचा दें अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तक पहुंचा दें आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इसमें से कौन कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है अन्नू है प्रार्थना है आप अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तक क्लास को पहुंचाएंगे तो आप बेहतरीन तरीका से क्लास को लाइक शेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटी के बच्चों तक आप क्लास को पहुंचा दीजिए जितनी क्लास यूनिवर्सिटी के बच्चों तक जाएगी उतना अच्छा बच्चा इस पर जुड़ेगा देखो प्लेटो का गुफा सिद्धांत क्या है गुफा सिद्धांत बहुत ही फेमस है आज मैं आपको गुफा सिद्धांत पढ़ाता हूँ तो इससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने को देखो प्लेटो का गुफा सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति को यह लगता है उसे पूरी दुनिया की जानकारी है परंतु वो एक गुफा में रह रहा है कह रहा है इसने बताया है कि लोगों से सच कोसों दूर है लोग जिस चीज को ये मानते हैं कि सच है वो उसे सच समझते हैं ठीक है लोग जहां रहते हैं वो गुफा में रहते हैं यानी कि लोग बंडुकता के शिकार है जो उन्हें बाहर दिखाई जाती है वो सच्चाई नहीं है गुफा सिद्धांत है कि लोगों के पास ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि इंसानी जो आत्मा है वो एक गुफा के अंदर रहती है और सच्चाई इससे बाहर है पागल मतोजा ठीक है इंसान की जो आत्मा है वो गुफा के अंदर रहती है देखो ये देख रहे हो आप ये क्या है ये गुफा है ये इंसान है सच्चाई यहां है इंसान इस गुफा के अंदर रह रहा है आप भी भाई पागल मत हो जाना बड़े ध्यान से समझना प्लेटो कहता है मैं नहीं कह रहा हूं ठीक है इस बात को प्लेटो कहता है तो प्लेटो का गुफा सिद्धांत क्या है में प्लेटो ने गुफा सिद्धांत के बारे में बात करी है सुनो सभी बड़े ध्यान से प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राज्य का विवेक किसी भी विधिया अध्यादेश से महत्वपूर्ण है प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है देखो प्लेटो ये कहता है कि जो आपने कानून बना रखे जो आपने विधियां बना रखी हैं, वो सब लोगों की वो सब बेकार है वो आपको सत्यता दिखाई देती है पर सत्यता है नहीं उसमें कुछ भी नहीं है प्लेटो कहता है कि जो आप कहते हो कि ये सत्य है वो सत्य नहीं है प्लेटो कहता है वो सब बेकार है वो आपको लगता है कि वो सत्यता है प्लेटो कहता है वो सब सत्य नहीं है ये कहता है उन्होंने बताया कि लोगों के सच से कोसों दूर है ये चीजें सत्यता नहीं है प्लेटो कहता है कि जो विधि है ना कहता है कि दार्शनिक राजा का होना विवेक किसी भी विधिया अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है प्लेटो कहता है कि जो आप कहते हो कि कानून बना हुआ है मोदी बना हुआ है और कानून है हम कानून के अनुसार रह रहे हैं प्लेटो ने कहा है कि कानून अंधकार है कानून किसने बनाया कानून लोगों ने बनाया लोग किसने बनाए लोग अपने आप आए ठीक है तो कानून क्या है अंधकार है कानून क्या है अंधकार है प्लेटो कहता है कि कानून अंधकार है प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्लेटो कहता है कानून तो अज्ञान है कानून बेकार है उसने गुफा की उपमा दी है प्लेटो ने कहा है कि कानून एक गुफा है केव एनालॉजी का प्रयोग करते हुए उसने कहा है जो व्यक्ति गुफा में रहता है वो आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है प्लेटो कहता है कि कानून आग का प्रकाश है और उसी आग के प्रकाश को आप वास्तविक प्रकाश मानते हो तो प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति गुफा में रहता है गुफा में आग जलती है और उसी आग के प्रकाश को प्लेटो कहता है लोग उसे वास्तविक मानते हैं जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है प्लेटो ने कहा है कि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है तो प्लेटो कहता है सूर्य कौन है तो सूर्य बोलता है कि साहसिक यानी कि विवेकशील जो राजा है जिसके पास विवेक है विवेकशील राजा ही सूर्य है प्लेटो कहता है कि विवेकशील राजा ही सूर्य है जिसके पास विवेक है वही सूर्य है प्लेटो इसी को विवेकशील मानता है इसलिए प्लेटो ने परंपरा प्रथा और विधि सभी को अज्ञान माना है प्लेटो कहता है कि परंपरा प्रथा विधि सभी अज्ञान है।, है सभी की सभी चीजें बेकार है परंपरा प्रथा विधि जिसमें इंसान रहता है कहता है सभी की सभी चीजें बेकार है ये सभी किसी काम के नहीं है तो प्लेटो विधि पर विश्वास नहीं करता इसीलिए तो आप कहते हो कि प्लेटो का जो राज्य है वो डिक्टेटरशिप का राज्य है जैसे मोदी जी है मोदी जी के कानून क्या होता है भाई अब हमारी बात मानिए हम प्रधानमंत्री हैं कानून क्या होता है ऐसे ही राजा को स्थापित करने की बात प्लेटो कहता है प्लेटो कहता है वो राजा जो जो विवेकशील होगा उसी राजा का आदेश ही कानून होना चाहिए और जिन लोगों को लगता है कि कानून है संविधान है या जिनके माध्यम से लोग रहते हैं प्लेटो कहता था ये सब बकवास है बेकार है एक ऐसी दुनिया है जिसे गुफा के अंदर रहने वाला आदमी आग जलाता है और कहता है कि जो आग है यही प्रकाश है जबकि वास्तविक प्रकाश तो सूर्य है तो प्लेटो कहता है सूर्य साहसी राजा विवेकशील राजा है इसीलिए इसीलिए विवेकशील राजा के राज्य की स्थापना की प्लेटो बात करता है इसीलिए आप उसको क्या कहते आदर्श राजा का निरंकुशतावाद के नाम से जानते कि प्लेटो भी निरंकुशतावादी राज्य की स्थापना की बात करता है ठीक है यह बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यह चीजें आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यह मुझे बताओ पहले अरे हाँ या ना एकदम क्लियर पंकज नमस्कार भाई एकदम क्लियर गोली की तरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए हंड्रेड परसेंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एकदम पॉलिटिकल साइंस से अगर आप बीए कर रहे हो एमए कर रहे हो या आप किसी प्रकार से राजनीति विज्ञान से कोई भी चीज कर रहे हो तो आपको यहाँ चीजें मिलती रहेंगी बेहतरीन तरीका से आपको चीजें प्रोवाइड करती रहेंगे मैं इस चैनल पर पढ़ाता रहूंगा डेली डेली आपकी क्लास लेता रहूंगा यहाँ से बच्चे भी आप जुड़ते रहिए अपने साथियों को अधिक से अधिक क्लासों को शेयर कीजिए बच्चों को बताइए जी सर आ रही है बात समझ में आ रही है ना अमरावती आ रही है ना बात समझ में बहुत बढ़िया अमरावती कह रही है जी सर बात समझ में आ रही है सभी बात दोस्तों की बात समझ में आ रही है ना प्रॉपर तरीका से अरे हाँ या ना ठीक है बोलो मेरे प्यारे भाइयों ठीक है क्लियर भाई अरे हाँ या ना अरे हाँ या ना क्लियर फौजदार अनिकेत कह रहे हैं नहीं ये नया चैनल है अनकेत फौजदार ये नया चैनल है इस चैनल पे बच्चा कम है तो आप बच्चों को बताएंगे तो ज्यादा से बच्चा लाइव आएगा ये नया चैनल है और हम क्या पढ़ा रहे हैं तो इसकी टेंशन की आवश्यकता नहीं है चलिए आगे बात करते हैं प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा विवेक किसी भी विधि का अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है उसने गुफा के बारे में बात करी है अब अगली किताब है प्लेटो ने अपनी अपनी बात की रचना स्टेटमेंट और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया मेरी बात को सुनो प्लेटो ने अपनी जो बाद में लिखी स्टेटमेंट लिखी और द लॉज लिखी मतलब पहले प्लेटो विधि को मानता ही नहीं था बाद में जब लोगों ने खंडन किया लोगों ने कहा कि बिना विधि के तो प्लेटो ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जो संभव ही नहीं है भाई तभी तो अरस्तु ने कहा कि प्लेटो कहता है बिना विधि का राज्य होना चाहिए जैसे महात्मा गांधी कहते महात्मा गांधी और प्लेटो की सोच एक जैसी महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया कानून की जरूरत ही नहीं है हालांकि वो मानते हैं कानून को लेकिन उसी प्रकार से आप देखो लोगों ने कहा प्लेटो कैसी बात कर रहे हो आप बिना बिना कानून के आदमी कैसे रहेगा लोग कहते हैं यार आदमी तो जन्म से कुत्ता होता है कहता है, मनुष्य जन्म से पशु होता है कुत्ता होता है बॉन्ड आदमी। तो आदमी के ऊपर जंजीरें नहीं लगाओगे तो आदमी कैसे रहेगा प्लेटो कहता है आदमी अंदर से नैतिक है लोगों ने कहा प्लेटो कैसी बात कर रहे हो आदमी तो महारामी आदमी है प्लेटो ने कहा चलो ठीक है मैं ये मान लेता हूं कि आदमी हरामी है तो प्लेटो ने विधि के दंड को विधि को थोड़ा सा स्वीकार किया प्लेटो ने बाद में जो विधि है और दंड है उसके महत्व को स्वीकार किया लेकिन यह बातें उसने अंत में स्वीकार की तो स्टेटमेंट लिखी और द लॉज लिखी तो द लॉज में उसने विधि के महत्व के बारे में बात करी है लेकिन अपनी विधि को अलग तरीका से अलग तरीका से परिभाषित किया है और जो उसका पहला ग्रंथ था रिपब्लिक उसने रिपब्लिक में विधि को दंड को उल्लेख बिल्कुल नहीं किया उसने विधि की बजाय शिक्षा और बल पर दिया है दंड की बजाय साम्य बात पर महत्वपूर्ण बल दिया है तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में किसको स्वीकार किया तो प्लेटो ने रिपब्लिक में विधि को स्वीकार नहीं किया प्लेटो कहता है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने साफ बोला है कि आप जो है शिक्षा की बात करता है व्यक्ति को शिक्षित बनाओगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्लेटो कहता है व्यक्ति को आप शिक्षित बनाओगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो किसी प्रकार से किसी को परेशान करेगा और दंड की बजाय प्लेटो कहता है साम्यवाद सबसे अच्छा है साम्यवाद सबसे अच्छा है साम्यवाद प्लेटो कहता है कि साम्यवाद साध्य नहीं अपे तो साधन है प्लेटो कहता है जो आदमी जिस चीज के लिए पैदा हुआ है उसको वो कार्य कर लेना चाहिए प्लेटो कहता है कि साम्यवाद के द्वारा ही आप आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हो तो जैसे आपने देखा महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ऐसे ही प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है तो प्लेटो कहता है प्लेटो शिक्षा को महत्व देता है तो अब अलग अलग बातें हैं प्लेटो अपने पहले ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा को महत्व तो देता है स्टेटमेंट और लॉज में कानून को महत्व तो देता है प्लेटो के विचार में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया गया इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है कि प्लेटो संप्रभुता को मानता है नहीं मानता देखो आप मेरी बात समझना आप राज्य के चार तत्व होते तो पहला तत्व होता है जनसंख्या राज्य कहता है कि आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो के अनुसार पांच हजार चालीस है जनसंख्या दूसरा तत्व होता है आप सभी जानते हैं क्या है निश्चित भूभाग तो निश्चित भूभाग को प्लेटो भी मानता है कि भाई निश्चित भूभाग होना चाहिए और बहुत क्लियर चीज है राज्य के लिए अब बात करोगे सरकार की तो सरकार को प्लेटो मानता है लेकिन वो राजा की सरकार की बात करता है वो ऐसी विधि द्वारा स्थापित सरकार की बात प्लेटो नहीं करता है पहले बाद में वो थोड़ी सी बात करता है प्लेटो लोकतंत्र को नहीं मानता प्लेटो कहता है लोकतंत्र मूर्खों का शासन है प्लेटो लोकतंत्र को कभी स्वीकार नहीं करता लोकतंत्र में प्लेटो विश्वास नहीं करता अब संप्रभुता की बात करो तो प्लेटो में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है तो वो संप्रभुता के विचार को नहीं मानता प्लेटो संप्रभुता के विचार को भी स्वीकार नहीं करता है इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लेटो संप्रभुता के विचार को मानता है नहीं मानता है प्लेटो लोकतंत्र को मानता है प्लेटो लोकतंत्र को नहीं मानता है प्लेटो न्याय को मानता है बिल्कुल मानता है लेकिन प्लेटो का न्याय कैसा है कर्तव्य पर आधारित न्याय है ये तो न्याय के बारे में अब समझ में आई ना बातें न्याय के बारे में समझ में आ गया सत्य के बारे में समझ में आ गया चीजें समझ में आ रही है ना ऐसी समझ में आनी चाहिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं आगे प्लेटो क्या मानता है शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो शिक्षा के बारे में क्या मानता है इस बात को समझने शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार के शिक्षा पर प्लेटो के क्या विचार हैं आइए इन्हें जानने की कोशिश करते हैं प्लेटोज थॉट और डॉक्ट्रिन ऑफ एजुकेशन प्लेटो के शिक्षा पर विचार क्या क्या है प्यारे बच्चों ये चीजें थोड़ी सी आपको अलग लगेंगी थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेंगी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है तो आप परेशान हो सकते हो गुरु पहले आप मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट है शिक्षा के विचार को हम आगे पढ़ेंगे यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है आप लोगों को क्लास में मेरी में सभी के सभी बताएं यहाँ तक किसी प्रकार की समस्या है किसी बच्चे को मेरी क्लास में बताओ प्यारे बच्चों यहां तक किसी प्रकार की समस्या है बहुत बढ़िया सभी के सभी के क्लास को लाइक करता चलिए यहां तक कोई समस्या है आपको क्लास में बहुत बहुत बढ़िया बहुत, बहुत बहुत बढ़िया अब प्लेटो के शिक्षा के विचारों की बातचीत करेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड करके शेयर करो ताकि पता चले कि पॉलिटिकल साइंस वह मजा से भी पढ़ा सकते हैं बहुत बढ़िया है। यहां तक कोई डाउट बताइए मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट डाउट no डाउट नो 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 सर सर अमरावती जी कह रही no doubt. माई कह रही हैं सच no, रहे डाउट no सोनिया शर्मा कह रही हैं जी नो no डाउट फिर भी कोई विचार हो आपके मन में सर आप पढ़ाइए तो कोई डाउट होता है कभी नहीं ठीक है मोहम्मद नदी अंसारी जी कह रहे हैं नो डाउट जिन जिन बच्चों ने देखो पेड़ वाले बच्चे भी हैं इसमें तो मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट है आपके मन में कोई भी डाउट आपके मन में हो बताओ भाई बताओ भाई शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार शिक्षा के बारे में प्लेटो के बड़े अच्छे अच्छे विचार हैं तो शिक्षा के ऊपर प्लेटो के विचार ठीक है बहुत अच्छे विचार हैं और इससे आप ये मान के चलिए कि दो प्रश्न आपके हंड्रेड परसेंट सॉल्व होते हैं दो प्रश्न आपके हंड्रेड परसेंट यहां से बनते ही बनते हैं शिक्षा के ऊपर जो प्लेटो के विचार हैं, यहां से आपको दो तीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे देखो अब मैं आपको थोड़ी सी एम समझाता हूं तो कि आप समझ सकें किस किस प्रकार के बातें हैं ठीक है आपको समझ में आएंगी आपको चीजें चीजें समझ में आने लगेंगी ठीक है प्लेटो के शिक्षा के ऊपर विचार ये लास्ट में आपके एमसीक्यूज हैं, जैसे देखो तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये प्रश्न है। ऐसे प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये देख रहे हो प्लेटो के अनुसार सुमेलित है अब आप मैच करो प्लेटो के अनुसार सुमेलित है ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है अब आप बताओ सुमेलित है कि नहीं है सर हमने कभी इतनी अच्छी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी सोनिया शर्मा अच्छा सोनिया ठीक है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्ग प्रधान लक्षण और श्रेष्ठ गुण ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कौन से सुमेलित है तो देखो दार्शनिक दार्शनिक ज्ञान राजा सैनिक मनोवेग उत्पादक तृष्णा ज्ञानी में विवेक होता है मनोवेग में साहस होता है तृष्णा में संयम होता है तो आप कहेंगे सभी के सभी सुमिलित है करेक्ट आंसर आएगा सभी के सभी सुमिलित है इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो मैं प्लेटो में कई सारे प्रकार के प्रश्न हैं तो कल अब हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा पर विचार प्लेटो पर शिक्षा के विचार काफी अच्छे हैं काफी बातें की है शिक्षा का सिद्धांत तो और इसके बाद प्लेटो खत्म हो जाएगा तो प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत को हम कल ध्यान देंगे ठीक है PDF कर दो सर फिर मजा आएगा पढ़ते हुए अंसारी जी, में आपको देता हूं वर्ड बहुत बढ़िया तो सोनिया अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर से पढ़ रही हो तो और बच्चों को क्लास को शेयर करो बच्चों को बताओ जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी क्लास में एडमिशन ले सके अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर में आप पढ़ रही हो तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बताओ ना अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ो ठीक है अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आप जोड़ोगी तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास में एडमिशन लेंगे कल की क्लास कब होगी अब कल तो संडे है मैं मंडे को क्लास लूंगा संडे को क्लास नहीं होगी आपकी तो अब आप मंडे को क्लास ही ले पाओगे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे ठीक है मेरे प्यारे भाइयों अब आप सुनिए जरा आप सभी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो एक नंबर है एट सेवन ट्रिपल जीरो सेवन एट नाइन वन सेवन आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले लें आप थोड़ी सी सहयोग राशि प्रदान करें तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी ठीक है आपको इसमें पॉलिटी का डायमेंड अभी तो क्लासेस चल रही है तो डायमंड बैच आपको इसमें प्रोवाइड हो जाएगा पॉलिटी का आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो एट सेवन ट्रिप्पल जीरो सेवन एट नाइन वन सेवन पर कॉल करेंगे अब इसकी फीस मात्र चार हज़ार रुपये रखी हुई है इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो बाद में फ़ीस आपकी पाँच हज़ार रुपये रखी जाएगी फाइव थाउजेंड रुपीज़ आपकी पोलिटिकल साइंस की फीस होगी आप इस बैच को ले सकते हो बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया तरीका से कोशिश की जाएगी आपको कवर कराने की टीचर अच्छे में मैं मिलने ना हूँ तो यू का पढ़ाना भी ईजी लगता है मेरे भाई एक समस्या मेरे साथ भी हो रही है मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ कितनी मेहनत से पढ़ा सकता हूं लेकिन सारी टीचरों को लेकर आना मेरे लिए बड़ा संभव असंभव सा कार्य हो रहा है अच्छे टीचर अच्छे टीचर फिर मतलब कोई बहुत ही दुनिया में संस्थान होगा जो बहुत अच्छे टीचरों को ला पाए व्यक्तिगत टीचर ये अच्छा पढ़ा सकता है अब मैं कोशिश करूं कि मैं अपने जैसा ही ज्योग्राफी में लाऊं या ज्योग्राफी वाला शिद्दत से पढ़ाए या और अच्छे से पढ़ाए तो संभावनाएं बन नहीं पाती है नेक्स्ट ईयर लेंगे सर अमरावती सोनिया ठीक है तो आप इसमें इनोलमेंट करा सकते हो और आप बदनाश तरीका से पढ़ सकते हो बबा नमस्कार जय हिंद एंड लव यू भाई ठीक है कोई गलती हो तो माफी करिए मंडे को इलेक्शन है सर हमारी तरफ हाँ जी मंडे को इलेक्शन है तो क्या हुआ ऑनलाइन थोड़ा नेट बंद थोड़ा रहेगा <laughs> मोहम्मद नदीम अंसारी जी चलो बबा जय हिंद बच्चों को प्लीज बता दें अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो दो दो चार चार बच्चों से आप क्लास को शेयर कर सकते हो काफी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं आपसे मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज हेलो नमस्कार प्यारे साथियों मैं गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी कैसे हैं बिंदास हैं मस्त हैं बढ़िया हैं और बताइए बहुत बहुत बढ़िया सभी का क्लास में स्वागत है सभी का क्लास में बहुत ज्यादा स्वागत है तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत देखो आज की जो क्लास है ना ये लास्ट क्लास है यानी कि पोलिटिकल साइंस में जो प्लेटो का टॉपिक है प्लेटो के टॉपिक की लास्ट क्लास आज आपकी कवर होने वाली है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तो शिक्षा सिद्धांत क्या है इसको एक बार ध्यान रखने की कोशिश करते हैं बात करते हैं प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या कहता है क्या इसके विचार हैं इसमें कौन सी कौन सी चीजें हैं इस सब के ऊपर बातचीत करते हैं देखो आप देखो कि जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है डॉक्टर ऑफ एजुकेशन कई सारे लोगों ने रूसों ने तो यहां तक कहा है कि जो प्लेटो ने किताब लिखी थी रिपब्लिक वो शिक्षा के ऊपर लिखी गई सबसे अच्छी किताब है तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत का जो विचार है शिक्षा का वो बहुत ही अच्छा है और रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा के बारे में बहुत सारे विचार दिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए में बैठना है क्या अब बहुत सारे माइक चल रहा है यूट्यूब बहुत सारे विचार दिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है प्लेटो ने इसको लेकर दिए हैं बहुत बहुत बढ़िया राम मनोज पंचाल जी नमस्कार मूवी शिक्षा फैन क्लब आ जाओ सभी के सभी आ चुके हैं नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार तो आई एस पी सी शिक्षा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है तो प्लेटो के बहुत सारे थॉट है तो डॉक्टर ऑफ एजुकेशन है इसमें बहुत सारी चीजें कही हैं लेकिन सबसे पहला प्रश्न बनता है कि प्लेटो ने डॉक्टर ऑफ एजुकेशन कौन सी बुक में दिया था तो ये रिपब्लिक में दिया था किसमें दिया था रिपब्लिक में दिया था पहला प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में एक बनता है रिपब्लिक वन ऑफ बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन मतलब रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई सबसे अच्छी किताब है है तो कभी कभी पूछा जाता एग्जाम में कि शिक्षा शास्त्र की सबसे अच्छी बुक कौन सी है या प्लेटो ने अपने विचारों को कहां पर दिया है तो प्लेटो ने अपने विचारों को यहां पर दिया है देखो जो शिक्षा सिद्धांत है आदर्श राज्य में प्लेटो पचास साल तक शिक्षा की बात करता है प्लेटो कहता है कि पचास साल तक आदमी पढ़ेगा यानी कि प्लेटो का मानना है कि जो आदर्श राज्य राजा बनेगा जो आदर्श राजा बनेगा वो पैंतीस साल तक तो पढ़ाई करेगा पंद्रह साल तक उसकी ट्रेनिंग चलेगी यानी कि पचास साल के अध्ययन के बाद कोई व्यक्ति आदर्श राजा बनेगा तो प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत में शिक्षा को दो स्तरों पर बांटते हैं एक आती है प्राथमिक स्तर की शिक्षा एक आती है उच्च शिक्षा तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा और उच्च शिक्षा दो भाग में इसको बांट दिया और जो उच्च शिक्षा है इसके भी दो चरण होते हैं यानी कि टोटल बात हो जाती है कि अगर आप देखोगे 20 साल तक प्राथमिक शिक्षा है और 20 साल से लेकर जो नीचे की है पूरी की पूरी 35 साल तक इसे आप उच्च शिक्षा के नाम से जानते हैं अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है उच्च शिक्षा के बाद प्लेटो कहता है कि राजा पंद्रह साल तक और पढ़ेगा तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि यूजीसी नेट प्रश्न कैसे पूछता है या कैसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में देखो प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में नागरिकों की शिक्षा सहसव काल से ही शुरू हो जाएगी और वह पचास वर्ष की आयु तक चलेगी मतलब पचास साल तक जब तक बच्चा होगा तब तक प्लेटो की शिक्षा चलेगी बहुत सारे विचारक कहते हैं प्लेटो ने कल्पना कोरी की है प्लेटो का दिमाग खराब हो गया ऐसी बातें प्लेटो करता है लेकिन आप समझिए मर्म जानिए दस वर्ष की आयु तक उन्हें मुख्यतः सारी शिक्षाएं दी जाएंगी और दस साल के बाद जो बच्चा है उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो यहां से प्रश्न बनता है कि प्लेटो कितनी साल तक कहता है कि शिक्षाएं दी जाएंगी फिजिकल एजुकेशन तो दस साल तक प्लेटो बोलता है कि फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी उसमें प्लेटो कहता है कि शारीरिक शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, है वो बच्चे के जो शरीर है उसका विकास करती है और उसी के बाद बच्चे के दिमाग का विकास होना संभव हो पाता है मिस्टर परफेक्ट क्या हाल है तो चलिए अब देखो मैं आपको बताता हूं कि प्लेटो ने कौन सी कौन सी बातें कर रखी हैं और प्लेटो क्या क्या चीजें कहता है पहली बात प्लेटो कहता है कि प्राथमिक शिक्षा 10 वर्ष से 20 वर्ष तक रहेगी ठीक है इसमें संगीत व्यायाम शिक्षा की विषय वस्तु होंगी देखो दो प्रकार के प्लेटो के सिस्टम है मैं आपके सामने दो प्रकार के सिस्टम बांटता हूं आप जरा ध्यान देने की प्यारे बच्चे कोशिश करना ये तो प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा है तो प्राथमिक शिक्षा को कभी कभी आप लोग नाम देते हो प्राथमिक शिक्षा स्टेप वन और ये प्लेटो की उच्च शिक्षा है यानी कि उच्च शिक्षा के प्लेटो ने दो भाग कर दिए और प्राथमिक शिक्षा का प्लेटो ने एक ही भाग कर रखा है बात समझ में आ रही है तो प्राथमिक शिक्षा प्लेटो कहता है कि दस साल तक प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा है कि दस साल तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी जिसमें व्यायाम की शिक्षा होगी प्लेटो कहता है जिसमें व्यायाम की शिक्षा होगी सारे बच्चे लाइव हैं पेड ग्लास वाले सारे लाइव हैं पेड़ वाले सारे लाइव हैं आप सभी के सभी लाइव हैं पेड़ क्लास वाले स्पीड से कमेंट करते चले सभी के सभी विद्यार्थी गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी के सभी लाइव हैं बेटा इसको शेयर है आई एस पी सी शिक्षा पे भी डाल दे इसको टेलीग्राम पे ठीक है बहुत बढ़िया देखो दूसरी कहता है प्लेटो कि द्वितीय चरण की जो शिक्षा की शुरुआत होगी वो बीस से लेकर तीस साल तक की शिक्षा होगी यानी कि बीस से लेकर तीस साल तक की जो शिक्षा है जिसमें गणित ज्योतिष तथा जामती शिक्षा दी जाएगी प्लेटो कहता है कि जो दूसरी वाली जिसमें गणित की ज्योतिष की और जामती की शिक्षा दी जाएगी आपकी जानकारी बात पर बता दूं। प्लेटो ने रिपब्लिक में पता एक बात कही प्लेटो ने कहा हाँ ये हमारा ही चैनल है गुड इवनिंग भाई डॉक्टर संजीव राजपूत प्लेटो ने कहा कि जो बच्चा प्राथमिक यानी कि जीरो वन लेवल पे फेल हो जाएगा तो मैंने आपको बताया होगा पढ़ाया होगा प्लेटो कहता है कि जो जीरो वन लेवल में फेल हो जाएगा वो कौन बनेगा वो बनिया बनेगा वैश्य बनेगा उत्पादन करने वाला बनेगा प्लेटो की देखो कॉन्सेप्ट होता है।, प्रा... प्लेटो कहता है कि जो आदमी अधिक क्या रखता है अधिक कमाने की इच्छा रखता है तो वो क्या बनेगा बनिया बनेगा तो प्लेटो कहता है कि जो आदमी प्राथमिक क्षेत्र में फेल होगा वो क्या करेगा वो जो है उत्पादन के व्यवसाय में जाएगा प्लेटो कहता है कि जो व्यक्ति दूसरे लेवल की शिक्षा को पार नहीं कर पाएगा वो क्या बनेगा सैनिक बनेगा प्लेटो कहता है कि जो व्यक्ति तृतीय चरण की शिक्षा को पास करेगा वो कौन बनेगा तो प्लेटो कहता है वो शासक बनेगा तो ये वैश्य वर्ग हो गया यानी कि उत्पादन वर्ग हो गया उत्पादक वर्ग हो गया ये सैनिक वर्ग हो गया और ये शासक वर्ग हो गया प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग भी 35 साल तक शिक्षा प्राप्त करेगा और शासक वर्ग में से ही निकल कर आएगा प्लेटो के आदर्श राज्य का राजा जिसे वो कहता है आदर्श राजा यानी कि आइडियल किंग तो प्लेटो मानता है कि आइडियल किंग विल बी पर्सन जो कि 35 साल तक एजुकेशन ले चुका और 35 साल तक की एजुकेशन के बाद वो 15 साल तक और क्या करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा तब जाके वो क्या बनेगा आइडियल किंग बनेगा आदर्श राजा बनेगा यहां तक की बात आपकी समझ में आई या नहीं आई है पहले सभी कमेंट करके बताएंगे इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर यहां से प्रश्न और बनते हैं कि देखो प्राथमिक शिक्षा संगीत और व्यायाम की मानता है प्लेटो द्वितीय ज्योतिषी की मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने एक खोली थी जिसका नाम क्या था द यानी कि आप उसे के नाम से जानते हैं इथेंस में उसके ऊपर लिखा हुआ था जिस व्यक्ति को गणित नहीं आता है उसका प्रवेश द अकेडमी में क्या है मना है तो इसीलिए इसने द्वितीय स्तर पर कहा कि गणित और ज्योतिषी की शिक्षा और जो तृतीय स्तर उसमें कहता है कि दर्शन शास्त्र की शिक्षा हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए तो यहां से बेसिक बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि प्लेटो प्राथमिक शिक्षा द्वितीय चरण की शिक्षा और शिक्षा का तृतीय चरण अब आपसे प्रश्न मैच ऑफ मैच ऑफ दिंग तो 10 से लेकर 20 साल तक का प्राथमिक 20 से लेकर 30 साल तक का द्वितीय और 30 से लेकर 35 साल तक का शिक्षा का तृतीय चरण है ये दोनों उच्च लेवल की शिक्षा है और ये प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा है यहां तक की बातें अगर आप समझ गए हो तो प्लेटो पे शिक्षा के विचार अगर आपको आ गए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को जान चुके होंगे कि प्लेटो शिक्षा के बारे में क्या सोचता है शिक्षा का उद्देश्य विचारों और आत्माओं का ज्ञान प्राप्त करना है देखो बात सुनो प्लेटो ये नहीं कहता कि शिक्षा व्यवसाय होनी चाहिए प्लेटो कहता है कि जो शिक्षा है आदर्श राज्य की स्थापना होगी इसका मतलब क्या हुआ प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के विचारों का शुद्धिकरण होगा प्लेटो कहता है कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो नागरिक शिक्षित होंगे और नागरिक शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्लेटो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता वो कहता है कि राज्य समाज का बृहद रूप है तो बड़ी आसान सी बात है कि प्लेटो व्यक्ति को शिक्षित बनाना चाहता है जिससे कि दार्शनिक व्यक्ति पैदा होंगे और दार्शनिक व्यक्ति अच्छे राजा होंगे अच्छे राजा होंगे तो देश अच्छा होगा तो प्लेटो का विचार शिक्षा के आसपास घूमता है परंतु प्लेटो शिक्षा को डिवाइड कर देता है पैंतीस साल तक शिक्षा दिलाने की बात करता है प्रथम वर्ग वाले लोग जो मैंने आपसे कहा कि आत्मा में तीन प्रकार की चेष्टाएं होती हैं जो ज्यादा कमाना चाहता है जिनके अंदर अधिक अधिका या अधिक जिनके अंदर कमाने की इच्छा होती है वो कौन बनते हैं उत्पादक वर्ग बनते हैं जिसके अंदर क्या होता है साहस होता है वो प्लेटो कहता है कि कौन बनते हैं तो वो बनते हैं आपके कौन से सैनिक वर्ग और जिसके बीच में अधिक विवेक होता है प्लेटो कहता है वो कौन बनते हैं तो वो बनते हैं आपके शासक वर्ग तो प्लेटो के शासक वर्ग की शिक्षा है आप यहां पर भी लिख सकते हैं कि प्लेटो ने कैसे कैसे बांटी दिस इज़ द शासक वर्ग का मतलब है रूलिंग कम्युनिटी दिस इज द रूलिंग कम्युनिटी या रूलिंग क्लास एंड दिस इज वॉरियर क्लास इसको बोलता है कि ये कौन सा वर्ग है तो ये प्लेटो के अनुसार सैनिक वर्ग है कौन सा वर्ग है सैनिक वर्ग और ये कौन सा है ये है प्रोडक्शन क्लास ये कौन सा वर्ग है तो प्लेटो के अनुसार ये आपका उत्पादक वर्ग है अरे हाँ या ना ये तीन प्रकार की इच्छाओं को प्लेटो सेटिस्फाइड कर देता है और आपको बेसिक बातें समझाने की कोशिश करता है मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया अरे हाँ या ना क्लियर लिखे भाई सभी के सभी इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर जो पेड़ वाले पढ़ रहे हैं ना ये पेड़ की क्लास यूट्यूब पर लाइव जा रही है आप सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले मुझे कमेंट करके बताया क्लियर समझ में आया इज दैट क्लियर पक्का कोई डाउट तो नहीं है गुड ये शुड बी वेरी मच क्लियर ऐसे समझ में आना चाहिए तो ये प्लेटो का शिक्षा पर विचार है ठीक है तो 35 साल तक पढ़ो उसके बाद पंद्रह साल तक क्या करो आपकी ट्रेनिंग होगी तब आप क्या बनोगे आदर्श राजा तो आदर्श राजा के लिए शिक्षा कितने साल तक चलाई जाती है तो याद रखना आदर्श राजा की शिक्षा पचास वर्ष तक चलाई जाती है यानी कि पचास वर्ष होने पे आदर्श राजा की शिक्षा पूर्ण होगी सर इस बार ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए सर इस एक बार ज्योग्राफी चलिए क्लास ना तो मंडे से चलिए क्लास

हेलो हाँ भाई अरस्तु के अकादमी का मस्तिष्क प्लेटो ने कहा था अरस्तु अकादमी का मस्तिष्क प्लेटो ने कहा था बिल्कुल ठीक प्लेटो कैसे कह देगा प्लेटो तो बाद में पैदा हुआ अरस्तु बाद में पैदा हुआ ठीक है हाँ ये लेकिन अरस्तु के बारे में कहा था जब अरस्तु पढ़ रहा था तब की बात है ये चलिए भाई आगे देखने की कोशिश करते हैं तो शिक्षा के सिद्धांत को देखो कई लोगों ने खराब माना देखो रूसो ने क्या लिखा है रूसो को मैंने आपको बताया कि रूसो कहता है कि रिपब्लिक इज द बेस्ट 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 रिपब्लिक जो है ये बेस्ट बुक है जो कि इस पर लिखी गई है बारकर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है ये तो बारकर कहता है कि जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वो जो उसके न्याय का सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत का मतलब है थ्योरी ऑफ जस्टिस जैसे प्लेटो कहता है कि न्याय क्या है प्लेटो कहता है कि न्याय वही है जिसमें जिस, जिस व्यक्ति ने जिसमें जो गुण हैं, उसके अनुसार कार्य कर सके वही न्याय है जिसको ज्यादा विवेक है वो राजा बन सके जिसके पास ज्यादा साहस है वो सैनिक बन सके तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसी न्याय सिद्धांत का तार्किक एक प्रकार से आप देख सकते हैं परिणाम जो है वो प्लेटो का शिक्षा प्रणाली है बहुत बढ़िया रिपब्लिक में है बारकर के अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन की विवेचना का प्रयास करता है यह केवल शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन पर रचना नहीं है बहुत से लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति को शिक्षा चाहिए ये सारी चीजें चाहिए उसको जो है बार्कर के अनुसार संपूर्ण जो दर्शन है उसकी विवेचन का प्रयास जो है ये प्लेटो का द रिपब्लिक करता है तो बारकर और रूसो तो द रिपब्लिक को अच्छा मानते इसके अलावा बहुत सारे विचारक हैं जो कहते हैं कि प्लेटो तो हवा में सोचता है प्लेटो तो आसमान में सोचता है प्लेटो कहता है कि बताओ पैंतीस साल तक तो आदमी पढ़ेगा अब पैंतीस साल तक पढ़ेगा तो भैया वो फिर बाल बच्चे कब करेगा हालांकि देखो प्लेटो तो साम्यवाद की बात करता है प्लेटो कहता है कि राजा और सैनिक को शादी नहीं करनी चाहिए तभी तो मोदी जी ने शादी नहीं की प्लेटो कहता है कि राजा और सैनिक को कम्युनिस्ट होना चाहिए साम्यवादी होना चाहिए प्लेटो कहता है कि राजा और सैनिक को पत्नी और संपत्ति और परिवार से परहेज करना चाहिए इसीलिए प्लेटो कहता है कि राजा सिर्फ पढ़ा लिखा होना चाहिए पैंतीस साल तक किताबें पढ़ेगा और पंद्रह साल तक जमाने और दुनिया को जानेगा तो प्लेटो का दार्शनिक राजा पचास साल तक सिर्फ पढ़ने का कार्य करता है इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो जो है वो यथार्थवादी बात नहीं करता है कुछ लोगों ने प्लेटो को फांसीवादी भी कहा है फांसीवादी है प्लेटो को कहा है कि प्लेटो दार्शनिक राजा की स्थापना की बात करता है और राजा की सर्वोच्चता की बात करता है तो प्लेटो को लोग फांसीवादी भी कहते हैं प्लेटो को लोग यह कहते हैं कि प्लेटो फांसीवादी भी है और प्लेटो साम्यवाद की स्थापना की बात करता है तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो है प्लेटो का साम्यवाद ये आ गया तो पहले इसको एक बार दो तीन पॉइंट और जान लीजिए क्या क्या पॉइंट है समझ लीजिए समाज का वर्गीकरण कार्य का विभाजन विशेषीकरण ये मैंने आपको समझा दिया है ये मैंने बता दिया है आपको कि शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होंगे वो उत्पादन का कार्य करेंगे दूसरे में होंगे वो सैनिक बनेंगे जो तीसरे में होंगे वो दार्शनिक राजा होंगे ये बात मैंने आपको समझा दी है जो शिक्षा के तीसरे चरण में फेल होंगे वो कौन बनेंगे वो किंग बनेंगे दार्शनिक राजा बनेंगे बनेंगेल किंग बनेंगे अरे हाँ या ना ठीक है सर मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ बिल्कुल भाई फौजदार अनकेत जी मुखर्जी नगर में तुम ऑफलाइन पढ़ पाओगे थोड़े से दिन रुक जाओ फसफिकल कौन बनेंगे फलॉसफिकल किंग बनेंगे ये बेसिक सी बात क्यों नहीं चल रहा है भाई डिलीट करो इसमें से अभी के भी। इसको भी डिलीट करना है, ओर है।, हैंक करता है बीच क्लास में तो पीकल, किंग की बात करता है कहता है फलॉस्पीकल क्या बनेंगे किंग बनेंगे दार्शनिक राजा बनेंगे इसकी बात करता है क्लियर बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ अगला पॉइंट क्या है अगले पॉइंट पे की कोशिश करते हैं वही सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि 35 वर्ष तक की शिक्षा और शिक्षा के बाद 15 साल तक दार्शनिक राजा को प्रशिक्षण मिलेगा तो टोटल 50 साल हो जाएंगी शिक्षा के द्वारा सभी कार्यों का विभाजन होगा जिसमें सभी अपने कार्यों का विशेषज्ञ होंगे ठीक है वही चीज जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है प्लेटो कहता है कि जिस आदमी को जितनी शिक्षा प्राप्त है वो उसी अकॉर्डिंग उस जग से जाकर अपना उसको दिखाएगा ठीक है जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई जिसके पास विवेक है वही राजा बनेगा और जिसके पास साहस है वो कौन बनेगा तो प्लेटो कहता है जिसके पास साहस है वो कौन बनेगा वो सैनिक बनेगा यहां तक की बात समझ में आ गई या आपकी नहीं आई पहले मुझे बताओ अरे हाँ या ना चलिए बहुत बढ़िया अब बात करते प्लेटो का साम्यवाद क्या है बहुत ही बढ़िया यहां से आपको एक प्रश्न एग्जाम में मिलेगा शिक्षा शास्त्र आपकी समझ में आ चुका होगा और उसमें से प्रश्न सॉल्व कर सकते हो आप मुझे पूरी उम्मीद है आप प्रश्न बना लोगे गुड इवनिंग भाई आपका चश्मा अच्छा लग रहा है अच्छा ठीक है तो प्रश्न उससे बना लोगे चश्मा ले जा फिर भाई मुझसे आके चलिए लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो द स्कूल सिलेक्ट ठीक है ये बहुत अच्छा रिचार्ड लुइस ने लिखा है इसके बारे में साम्यवाद प्लेटो का साम्यवाद क्या है देखो प्लेटो का साम्यवाद मैं आपको पहले बेसिक बात में समझाऊं। वर्तमान में लेवल में साम्यवाद है कम्युनिस्ट क्या कहते हैं कम्युनिस्ट कहते हैं कि सभी संपत्ति को समाज में बांट दो वर्गहीन समाज की स्थापना की बात कम्युनिस्ट कहते हैं कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी वर्गहीन समाज की स्थापना की बात करते हैं कम्युनिस्ट ठीक है लेकिन जो प्लेटो का साम्यवाद है ये थोड़ा अलग साम्यवाद है प्लेटो के साम्यवाद में प्लेटो कहता है कि जो व्यक्ति राजा बनेगा सैनिक बनेगा ना तो वो संपत्ति रखेगा ना वो बीवी रखेगा ना वो परिवार रखेगा यानी कि प्रॉपर मोदी वाली बात करता है हाँ अभी नहीं आई फौजदे जी देखिए प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा अब न सिर्फ निजी संपत्ति ना ही अपना परिवार रखने का अधिकार होगा और ना ही उन्हें विवाह यानी कि विवाह तो पता नहीं पर एक प्रकार से पत्नी तो एक ही बात होगी विवाह नहीं करेगा तो पत्नी कैसे होगी ठीक है विवाह करने का भी उनके पास अधिकार नहीं होगा ये प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है प्लेटो की रिपब्लिक पर व्याख्या रिचर्ड ल्यूकिस ने लिखी थी तो ये काफी फेमस है पूछ ली जाती है कई कई बार इसके बारे में प्रश्न आते हैं ठीक है ठीके? कई कई बार इंपॉर्टेंट है प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा प्रणाली का पूरक उपकरण है उसकी शिक्षा प्रणाली जिस चेतना का सृजन करती है उसी कार्य रूप देने का पुष्टि कर, कर, करने का साधन है देखो इसका मतलब क्या हुआ अगर आपने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को पढ़ा है अगर आपने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को पढ़ा है तो आपने क्या देखा प्लेटो की शिक्षा प्रणाली कहती है कि पैंतीस साल तक आप राजा रहेंगे ठीक है पैंतीस साल तक आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली भी आदर्श शिक्षा प्रणाली है आदर्श और आदर्श शिक्षा प्रणाली है तो ये आदर्श राज्य की स्थापना की बात करती है तो ये शिक्षा प्रणाली ही प्लेटो का साम्यवाद उसकी शिक्षा प्रणाली का पूरक उपकरण है यानी कि देखो अगर कोई आदमी पैंतीस साल तक पढ़ेगा अब हमारे देश में आदमी पैंतीस साल तक दो तीन बच्चे कर देता है अब पैंतीस साल तक सामान्य आदमी लेकिन जब पैंतीस साल तक पढ़ेगा तो वो आदमी कैसे सामान्य आदमी रहा प्लेटो तो सामान्य आदमी को कहता है कि वो तो कीड़े मकोड़े प्लेटो कहता है सर आप कहाँ गायब हो जाते हो नहीं गायब नहीं होता मैं ठीक है कुछ अर्जेंटली जाना पड़ा था मुझे इस चक्कर में दो तीन क्लास आपकी ऑफ रही थी ठीक है अभी पच्चीस तारीख तक नो ऑफ चलिए अब मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए तो ये बात आपकी समझ में कंप्लीटली आ गई होगी ना अरे हाँ या ना क्लियरली ना तो प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है तो आदर्श राज्य में फिर वो साम्यवाद की बात करता है देखो साम्यवाद होता क्या है पहले एक कॉन्सेप्ट समझो साम्यवाद प्लेटो का साम्यवाद है कि आदमी ना संपत्ति रखेगा ना धन रखेगा वो कुछ नहीं रखेगा न शादी करेगा न संपत्ति रखेगा ना धन रखेगा साम्यवाद मतलब सारी चीजों को दान कर देगा कुछ नहीं रखेगा फकीर होगा एकदम ठीक है लेकिन वर्तमान जो साम्यवाद है ये अलग है तो प्लेटो का साम्यवाद और वर्तमान साम्यवाद में जमीन आसमान का अंतर है तो आप यू नहीं समझेंगे राजा बिल्कुल शादी सुधा नहीं होगा संपत्ति का अर्जन नहीं करेगा वर्तमान साम्यवाद क्या कहता है प्लेटो का साम्यवाद पूरी समाज को साम्यवादी बनाने की बात नहीं करता वर्तमान साम्यवाद पूरी समाज को साम्यवादी बनाने की बात करता है प्लेटो का साम्यवाद राजा और सैनिक तक है वर्तमान साम्यवाद सभी की बात करता है वर्तमान साम्यवाद कहता है कि धन का अर्जन जो है कोई ना करे और समाज को वर्गहीन समाज की स्थापना की बात करता है प्लेटो के समाज में तो वर्ग है प्लेटो तो तीन वर्ग की बात करता है वर्तमान साम्यवाद वर्गहीन समाज की स्थापना की बात करता है तो वर्तमान साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में जमीन और आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उसकी जो शिक्षा प्रणाली है उसका पूरक उपकरण है कैसे कि अगर जो प्लेटो की शिक्षा को प्राप्त करेगा वो खुद व खुद क्या हो जाएगा साम्यवादी हो जाएगा आप समझो आप अगर 35 साल तक शिक्षा प्राप्त करेंगे आप क्या हो जाएंगे आपका मन नहीं करेगा न परिवार में जाने का ठीक है तो आप भी साम्यवादी हो जाएंगे ये प्लेटो ने कहा और ये प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने जरूरी माना है और प्लेटो ने इसको इंपॉर्टेंस दी है लेकिन वर्तमान साम्यवाद से प्लेटो का साम्यवाद पूरी तरीका से अलग है ठीक है यहां तक के कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए या नहीं आए पहले बताओ अरे हाँ या ना क्लियर और नॉट क्लियर चलिए आते हैं प्लेटो का साम्यवाद का लक्ष्य संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष समस्त बालक बालिकाओं के माता पिता होंगे और ये सब एक ही घर के सदस्य माने जाएंगे देखो समझो प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष ठीक है संरक्षक वर्ग कौन सा हो गया सैनिक कौन हो गया सैनिक कहता है कि जो सैनिक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष समस्त बालक बालिकाओं के माता पिता होंगे और ये सब एक ही घर के सदस्य माने जाएंगे यानी कि जो सैनिक वर्ग है ना कहता है कि जो सैनिक वर्ग है वही सबके माता पिता होंगे क्योंकि वो संरक्षक है संरक्षा कर रहे हैं लोगों की सबकी राजेश कुमार जी कह रहे हैं कब से पढ़ा रहे हैं राजेश कुमार जी आधा घंटा हो गया तो ये यही सब कुछ संरक्षक वर्ग हो गया चाहे आपका प्रशासक वर्ग हो गया यही सबके माता पिता माने जाएंगे इनके खुद के परिवार नहीं होंगे इनके खुद की संपत्ति नहीं होगी इनके खुद के बच्चे नहीं होंगे मोदी कहते हैं ना आप सब मेरे बच्चे हैं आप सब मेरा परिवार हैं आप सब मेरा देश हैं मेरा परिवार है तो मोदी भी प्लेटो का दार्शनिक राजा है बात समझ में आ रही है दार्शनिक राजा है चलिए बहुत बढ़िया जब माता पिता अपनी वास्तविक संतानों को नहीं पहचानेंगे तो उनके मन में किसी बालक बालिकाओं के प्रति मोह पैदा नहीं होगा इस तरह संरक्षक वर्ग के सभी सदस्य निपीलित भाव से राज्य की सेवा करने को तत्पर रहेंगे देखो इसका मतलब क्या है प्लेटो कहता है इस बात को इस तरीका से आप समझो प्लेटो कहता है कि जब किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा कि उसके बच्चे हैं तो वो सभी को अपने बच्चे मानेंगे जैसे मोदी आज पूरे देश को अपना बच्चा मानते हैं, सिवानी, ठीक है पूरे देश को अपना बच्चा मानते तो अब ऐसा मतलब संरक्षक भर इतने सारे बच्चे पैदा देगा उसको पता ही नहीं होगा कौन उसका बच्चा है इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है संरक्षक वर्ग का कोई अपना नहीं होगा तो वो सबको अपना मानेंगे तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे पता है क्यों बनाया गया अगर मॉडर्न मॉडर्नोड को आप देखोगे वर्तमान राजनीति को देखोगे तो देखो आप देखोगे कि राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में है प्रियंका गांधी सोनिया गांधी का बेटा राजनीति में है जैसे बेटी राजनीति में है तो शासक वर्ग थे तो वर्तमान में जो राजनीति है उसमें शासक वर्ग का जो आप देखते हैं कि उसमें नेपोटिज्म है तो क्यों है तो नेपोटिज्म को खत्म करने की बात करता है एक प्रकार से जो प्लेटो ने बात कही थी वो कही थी कि जो नेपोटिज्म है जो भाई भतीजा बात है वो नहीं रहेगा भाई अगर राजा के पास कोई नहीं होगा तो राजा सबको अपना मानेगा जब राजा ही सबको अपना मानेगा तो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा जब सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा तो सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ये राजा कहता है तो यह प्लेटो का सिद्धांत है प्लेटो यह बात करता है तो प्लेटो कहता है कि जब उसके पास ना तो धन होगा और ना ही उसके पास परिवार होगा भाई आप एक बात समझो मैं एक राजा हूं प्लेटो ऐसा कहता है मैं नहीं कह रहा इन चीजों को प्लेटो कह रहा है कि जब मेरे पास ना तो पैसा होंगे तो ना तो मैं धन का संचय करूंगा और किसके लिए करूंगा अब योगी बताओ कल को किसके लिए पैसा इकट्ठा करेगा मोदी कल को किसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो कहता है पैसा किसी के लिए इकट्ठा ही नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास तो परिवार ही नहीं है बात समझ में आ रही है राजकुमार जी कह रहे हैं पोलिटिकल पेड़ क्लास कब से होगी राजकुमार जी ये पोलिटिकल साइंस की क्लासेस है और ये पेड़ है ठीक है ये आप ले सकते हो इसकी फीस है पांच हजार रुपए फाइव थाउजेंड इसकी फीस है एक बैच की सिंगल बैच की तो ये आप ले सकते हो इस इसपे बीच में कोई डिस्काउंट चल रहा था इसकी फीस चल रही थी चार हजार रुपए तो प्लेटो का कम्युनिज्म है बात समझ मारी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं है कोई समस्या नहीं आ रही चाहिए तो बातों को समझो तो प्लेटो कहता है देखो व्हाट इज द प्लेटो कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू द प्लेटो द किंग एंड द वॉरियर विल नॉट कलेक्ट एनी अड्स एंड फैमिली सो दे विल ट्रीट ईच एंड एवरीबडी इक्वली प्लेटो से वेंस द किंग हैव नो फैमिली द वॉरियर्स नो फैमिली दे विल बी ट्रीटिंग ऑल इक्वली अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया मोदी का एग्जाम्पल दिया योगी का और मैनी मैनी पीपुल पोलिटिकल लीडर्स विदाउट फैमिली दे आर नॉट सपोज टू कलेक्ट दे आर नॉट सपोज टू अक्यूमुलेट वट वो दे आर कॉल्ड द प्लोटो फिलोसफिकल किंग्स सो इनको आप कहते हैं प्लेटो के दार्शनिक राजा है ये बात आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जब तक आप देखो पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंट स्टाइल है टिल यू विल नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट सब्जेक्ट और द थिंकर तब तक तो तुम समझ नहीं पाओगे थिंक लाइक अ थिंकर द मोमेंट यू विल थिंक लाइक अ थिंकर जब आप विचारक की तरह विचार करोगे तो आपके विचार विचारक से मिल जाएंगे और विचारक को आप समझ पाएंगे तो यू नीड टू तो थिंक लाइक अ थिंकर ठीक है आप विचारक की तरह समझिए सर मैंने जीएस फाउंडेशन का बैच खरीद रहा है राजकुमार जी बहुत, बहुत बहुत बढ़िया यहां तक की बात आपकी समझ में आई या नहीं आई क्लियर चलिए रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप तो अब अब तक की आपने दो बातें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए एक तो प्लेटो का शिक्षा पर सिद्धांत क्या है और दूसरा प्लेटो का साम्यवाद क्या है यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनेंगे प्लेटो का शिक्षा पर सिद्धांत क्या है और दूसरा प्लेटो का साम्यवाद क्या है मुझे लगता है कि अब तक आपकी समझ में अच्छे से चीजें आ चुकी होंगी आप इसको लिख लीजिए कोई ज्यादा फालतू कमेंट मत कीजिए साम्यवाद और शिक्षा जुड़े हुए हैं प्लेटो का साम्यवाद और शिक्षा जुड़े हुए हैं तो अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान शिक्षा का सिद्धांत क्या कहता है तो मैंने आपसे यह भी कहा कि आप इसको भी तोड़ सकते हो भाई वर्तमान शिक्षा का सिद्धांत थोड़ा सा अलग है ठीक है कि नहीं है अरे हाँ या ना बोर्ड ठीक है आओ अब बात करते हैं प्लेटो में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप कि प्लेटो ने सरकार के विभिन्न रूप कौन से कौन से बताए हैं एक बार जरा मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं ठीक है चलिए देखो सरकार के प्लेटों ने विभिन्न रूप बताए हैं कई सारे रूपों की प्लेटो क्या करता है बेटा चल क्यों नहीं रहा क्या दिक्कत आ रही है इसमें हाँ भाई यू डोंट सपोज टू डू एनी थिंग तुम लोग करते तो कुछ हो नहीं इसके अंदर बस बोर्ड भरते जाते हो मैंने बात मुकेश को ऑलरेडी बोली थी कि बोर्ड भर जाएगा हैंग होगा बोर्ड फिर ये मशीन है यार ये कुछ भी मत दिन भर आते हो उसमें कुछ करते तो नहीं तुम लोग दिन में इसमें कंटेंट डाला उसको ऐसे ही छोड़ देते हो उसको कंप्यूटर है यार चलो ठीक है भाई आओ एक बार सीधे सीधे सभी पॉइंट पे आओ पॉइंट पे आओ सभी के सभी एक बार सभी के सभी पॉइंट पे आए चलिए तो प्लेटो की जो प्लेटो के बेसिकली जो प्लेटो की शासन प्रणाली है अब इस पे बात करते हैं प्लेटो ने कई प्रकार की सरकार के रूप बताए प्लेटो ने बहुत प्रकार के टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करी है कहां चल रहा है ये किसका यूज कर लो यार बेपकू पंथी तो तुम लोग पहले करके छोड़ते हो चलो भाई आ जाओ एक मिनट ठीक है ठीक है डन चलो प्लेटो की आलोचना से पहले हमें जानना पड़ेगा आलोचना तो बाद का पॉइंट है आलोचना से पहले आपको प्लेटो की जो प्लेटो ने कौन सी कौन सी शासन की प्रणाली है इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा ऐसे ठीक कर देना बोर्ड को नहीं तो तुम्हारी क्लास लगा दूंगा मैं देखो भाई आओ समझो कौन सी कौन सी है प्लेटो की प्लेटो की रिपब्लिक में बताएंगे सरकार के विभिन्न रूप सरकार के कौन से कौन से रूप प्लेटो ने बताए एक तो बताए राजशाही जिसे आप बोलते हैं मोनार्की बताए लोकतंत्र डेमोक्रेसी एक बताए अरिस्टोक्रेसी एक बताए ओलिगार्की और एक बताए आपके ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं निरंकुश शासन तो आपके चार प्रकार के जो हैं तब तक सभी शेयर कर दो ओके मेरे प्यारे भाइयों नमस्कार भाई राज क्या हाल है तेरा देखो तो रिपब्लिक बताएंगे सरकार के विभिन्न रूप सरकार के पांच रूप है अब प्लेटो किस रूप को सपोर्ट करता है हम इसके बारे में बात करेंगे प्लेटो लोकतंत्र को तो बांच लोकतंत्र को तो मूर्खों का शासन मानता है प्लेटो कहता है डेमोक्रेसी इज द फूल्स गवर्नमेंट ठीक है तो इसको तो मानता नहीं है राज में थोड़ा सपोर्ट करता है इसको भी नहीं मानता बहुत ज्यादा वर्ग अरिस्टोक्रेसी को थोड़ा सा मानता है क्योंकि ये अरिस्टो का है और अरिस्टोक्रेसी जो है वो प्लेटोक्रेसी से निकल के बाद में पैदा हुई है अरिस्टोक्रेसी को अरिस्टोक्रेट जो होते हैं अभिजात यानी वही शासक बनेंगे यही दार्शनिक होते हैं और ये निरंकुश शासन को तो लोग मानते ही नहीं है प्लेटो भी नहीं मानता है कुलीन वर्ग जो है इसको भी थोड़ा थोड़ा सा विश्वास करने की बात दोनों लोग करते हैं तो ये पांच प्रकार के सरकार के रूप बताए अब मैं आपसे बात करूंगा कौन किसको मानता है कौन क्या क्या होता है ठीक है पांच प्रकार के सरकार के रूप है एक तो है राजशाही एक है लोकतंत्र एक है अभिजात वर्ग एक है निरंकुश शासन और एक है कुलीन वर्ग एक कौन सा है कुलीन वर्ग अब प्लेटो के शासक वर्ग पे क्या है प्लेटो किस चीज के बारे में सोचता है मैं आपको पहले ही बताया प्लेटो का मानना है कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो वो सबके ऊपर शासन करेगा और लोकतंत्र का शासन नहीं चलेगा उसे कोई विरोध नहीं करेगा उसके द्वारा दिए गए निर्णय सर्वमान्य होंगे सब पर लागू होंगे एक प्रकार से वरिष्ठो हो गया और कुलीन हो गया ओलिगार्की हो गया डेमोक्रेसी इन सब को बिल्कुल नहीं मानता लोक तंत्र से तो प्लेटो सख्त नफरत करता था प्लेटो कहता था तो प्लेटो ने इसको तो कभी भी नहीं माना अब निरंकुश शासन देखो पता है क्या होता है निरंकुश शासन होता है कि एक आदमी शासक बन गया अब वो निरंकुश है तो प्लेटो तो इसको मानते ही नहीं है हालांकि जो प्लेटो के विचार हैं उनको लोग कहते हैं कि प्लेटो निरंकुश शासन की स्थापना करने की बात करता है प्लेटो कहता है कि एक आदमी राजा बनेगा वो पढ़ा लिखा होगा सब उसकी बात मानेंगे अब वो पढ़ा लिखा कैसे होगा प्लेटो के अनुसार पढ़ा लिखा होगा वही दार्शनिक किंग होगा लोगों ने कहा कि वो दार्शनिक राजा अगर निरंकुश बन गया प्लेटो कहता है कि उसकी आत्मा का विकास हुआ है वो तो निरंकुश बनेगा ही नहीं तो इसीलिए प्लेटो इन दोनों को एक तरीका से मानता है अब हम बात करते हैं कि प्लेटो का शासक का कौन सा सिद्धांत है प्लेटो ने कौन सा दिया रिपब्लिक में प्लेटो ने इन पांचों की चर्चा की है लेकिन जो प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया वो सिद्धांत क्या है? देखिए, प्लेटो ने लोकतंत्र को शासन प्रणाली का शासन का भ्रष्ट रूप माना है वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा प्लेटो लोकतंत्र को खराब मानता है निकम्मा मानता है नीच मानता है भ्रष्ट मानता है खत्म मानता है गांधी भी मानते हैं अगला उनके अनुसार राजतंत्री शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ देखा राजतंत्र तो प्लेटो क्या कहता है कि एक आदमी जो कुलीन होगा पढ़ा लिखा होगा एक आदमी जो शिक्षा ग्रहण करेगा वही आदमी राजा बनेगा और प्लेटो का राजा कौन सा राजा है तो प्लेटो का राजा दार्शनिक राजा है कैसा राजा है तो प्लेटो का जो राजा है वो दार्शनिक राजा है कैसा राजा है प्यारे बच्चों तो प्लेटो का जो राजा है मेरे प्यारे भाइयों वो कैसा है वो है दार्शनिक राजा तो प्लेटो इसको मानता है राजा के सिद्धांत को प्लेटो जो है मानता है प्लेटो के अनुसार शासनिक कला है ये मैं आपको पढ़ा चुका अकॉर्डिंग टू प्लेटो शासन एक कला है यानी कि जिस आदमी को एक कला आती होगी वही व्यक्ति शासन कर पाएगा और सभी शासन नहीं कर पाएंगे तो प्लेटो कहता है कि शासन एक कला है क्या है एक कला है गवर्नेंस इज इज एन आर्ट क्या है गवर्नेंस एक आर्ट है उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है सिवाय के प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है अब प्रबुद्ध अधिनायकवाद का, का मतलब क्या होगा देखो सिवाइन कहता है कि प्लेटो कहता है डिक्टेटरशिप की बात करता है प्लेटो कहता है कि डिक्टेटरशिप स्थापित करो प्लेटो ने कहा कि ऐसा राजा बनाओ जो दार्शनिक हो सिवाइन कहता है कि ये तो कह रहा है डिक्टेटर बनाने की बात कर रहा है अब मोदी जी हैं आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोदी जी डिक्टेटर हाँ या ना लगता है आपको क्यों लगता है क्योंकि मोदी जो कहते हैं वही सत्य है लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए विपक्ष को विपक्ष को अधिकार होना चाहिए कुछ बोलने का प्लेटो कहता है नहीं तो सिवाइन कहता है कि प्लेटो का राजा प्रबुद्ध अधिनायकवाद है इंटेलेक्चुअल डिक्टेटरशिप है यानी कि पढ़ा लिखा अधिनायकवाद प्लेटो का राजा प्लेटो शासन की बात करता है सिवायन कहता है और इसका राजा कैसा होगा इंटेलेक्चुअल डिक्टेटर होगा भाई अरे हाँ या ना जब प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा पर प्लेटो इस बात को मानता नहीं है प्लेटो कहता है प्लेटो कहता है कि जो आदमी पचास साल तक पढ़ेगा वो डिक्टेटर कैसे होगा आप बताओगा प्लेटो कहता है वो डिक्टेटर होगा ही नहीं जो पचास साल तक पड़ेगा वो डिक्टेटर कभी बनेगा हाँ या ना बनेगा क्या नहीं बनेगा तो प्लेटो कहता है कि मेरा राजा प्रबुद्ध होगा और दार्शनिक होगा लेकिन वो अधिनायक नहीं होगा अधिनायक बात समझ में आता है सिर्फ वन पर्सन रूल कहते हैं अधिनायकवाद को जो एक आदमी शासन करता है उसी को कहते हैं डिक्टेटरशिफ ठीक है डिक्टेटर जैसे मुगेम्बो पुरानी पिक्चर में आपने देखा होगा मुगेम्बो मुगेम्बो क्या है मुगेम्बो डिक्टेटर था ऐसी आपने पिक्चर देखी होगी एक अभी रिसेंटली पिक्चर आई थी गैंग्स ऑफ गेंगस उसमें देखा है है कि कि वो कहता है कि मेरा लड़का तुम राजा बनने लायक नहीं हो तो वो क्या है भाई भतीजे को प्रमोट कर रहा होता है ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप पिक्चर देखोगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएंगी नहीं बनेगा ठीक है ना बहुत बढ़िया तो ये होता है सेवाइन का दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध दिनायकवाद का है प्लेटो के दार्शनिक राजा को ये हो गई आपकी प्लेटो की थ्योरी ये बात आपकी समझ में आई अब प्लेटो की आलोचना बहुत से लोगों ने की है ये तो कॉल पॉपर तो इसका सबसे बड़ा आलोचक है कॉल पॉपर जो है सबसे बड़ा आलोचक है इसने प्लेटो का धुआं निकाल दिया ठीक है लेकिन ये बच्चा है देखो कॉल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है ये कई बार पूछा गया है पचासों बार यूजीसी नेट के पेपर में यूपी पीजीटी के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने कहा है ओपन सोसाइटी का एनिमी कहा है किसने कहा है कॉल पॉपर ने यह है कॉल पॉपर द ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज ये लड़का इस बंदे ने 1945 में अपनी किताब लिखी भारत की आजादी से दो साल पहले लेकिन प्लेटो तो बहुत पुराना था तो है तो ये बच्चा परंतु इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कॉल पॉपर के अनुसार प्लेटो हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं ठीक है ओपन सोसाइटी के एनिमीज हैं क्योंकि भाई ये ना देखो प्लेटो क्यों है पहले प्लेटो को समझो क्योंकि प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा बनेगा प्लेटो आदमी को तीन ग्रुप में फंसा के रख देता है प्लेटो कहता है कि अगर आपका पेट बड़ा है तो आप ज्यादा कमाओ अगर आपका दिमाग बड़ा है तो आप शासन करो अगर आपकी बॉडी में दम है तो आप वॉरियर बनो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं ये पार्ट टू में मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं आज तो प्लेटो का पार्ट थ्री है तो आप इन सारी चीजों को जानते हैं कहता है कि प्लेटो ओपन सोसाइटी का झंझट क्रिएट करेगा आजकल कर क्या ओपन सोसाइटी है है आपका जो मन करता आप बनते हो हाँ या ना प्लेटो ऐसा करने देता है तो इसलिए प्लेटो की बुराई करता है इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता फिलोसफिकल पायोनियर ऑफ टोटल टेरिज्म कहा है देखो टोटल जो होता है एक प्रकार से जो टोटल टेररिज्म का मतलब होता है सर्वाधिकारवाद एक प्रकार सर्वाधिकारवाद और अधिनायकवाद एक जैसी चीजें हैं एक जैसी चीजें हैं एक ही आदमी सब कुछ करेगा उसी को अधिनायकवाद कहते हैं और उसी को यह कहते हैं टोटल जो होता है ये एक ही बात है कॉल पॉपर ने प्लेटो का पहला द तो फर्स्ट फासिस्ट का है देखो ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि किस विचारक ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है तो यह पहला फांसीवादी इसने कहा है किसने कहा है प्लेटो ने पहला फांसीवाद कहा है किसको प्लेटो को कहा है कॉल पॉपर ने अब मेरी बात को समझे लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान साम्यवाद में और प्लेटो के साम्यवाद में अंतर उसी प्रकार से प्लेटो के फांसी प्लेटो फांसीवादी नहीं था प्लेटो को कॉल पॉपर ने कहा अब अंतर क्या है सुनो फांसीवादी महिलाओं की इज्जत नहीं करते प्लेटो तो करता है प्लेटो कहता है कि महिला भी शासक बन सकती है फासीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं फासीवादी राजा को भगवान से भी ऊपर मानते हैं फासीवादी कहते कि राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए प्लेटो कहता है कि राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए लेकिन कॉल पॉपर ने कहा है कि प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है लेकिन फासीवादी है नहीं प्लेटो क्योंकि प्लेटो तो राजा को दार्शनिक बनाता है फासीवादी कहते हैं कि राजा में दम होनी चाहिए राजा अपनी दम के दम के बजरुल अपने पूरे देश को कंट्रोल करेगा प्लेटो कहता है नहीं राजा अपने दिमागदारी होना चाहिए दार्शनिक होना चाहिए तो इसीलिए फासीवाद से अलग फासी है फांसीवादी कहते हैं कि राजा दमदार होना चाहिए प्लेटो कहता है राजा दार्शनिक होना चाहिए आइडियोलॉजिकली क्लियर होना चाहिए किंग शुड बी फलॉसफर राजा कैसे होना चाहिए दार्शनिक होना चाहिए समझ में आ रही है? क्या ठीक है ठीक है तो ये जो है प्लेटो क्या कहता है ये पहला विचारक की प्लेटो को बताता है कॉल पॉपर तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि पहला फांसीवादी विचारक कॉल पॉपर किसको कहता है तो ये जो है बेसिकली इसको कहता है प्लेटो को कहता है लेकिन प्लेटो है नहीं प्लेटो जो है ये पहला जो है एक प्रकार से ऐसा विचारक है नहीं ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई इज दिस पॉइंट इसको क्लियर करके जाना पूरा इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर रोको इसको भी ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बहुत बढ़िया तो पहला फांसीवादी विचारक किसने कहा है कॉल पॉपर ने कहा है और ये सर्वाधिक वार का दार्शनिक प्रेणता कहा है इसको लेकिन ऐसा है नहीं पर आपके विचार हैं तो आपको समझने पड़ेंगे आपको जानने पड़ेंगे देखो मैक्सी भी मैक्सी ने प्लेटो की बड़ी आलोचना की है मैक्सी प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय यानी कि फंटेसी विचारक का है मैक्सी कहता है कि प्लेटो पता नहीं क्या सोचता है प्लेटो सोचता है कि आसमान में रहिए प्लेटो सोचता है कि पैंतीस साल तक पढ़िए प्लेटो कहता है कि पचास साल के बाद राजा बनिए प्लेटो कहता है कि शादी मत करिए प्लेटो कहता है कि बच्चे मत करिए प्लेटो कहता है कि धनमत इकट्ठा करिए प्लेटो कहता है कि जिसमें जो चीजें वही करिए तो प्लेटो के विचारों को मैक्सी कहता है कि प्लेटो पहला कल्पना यानी कि कल्पना लोकीय फर्स्ट फैंटेसी और इसे कभी कभी आप लोग कहते हैं कि ऐसा विचारक जो कल्पनाओं में रहता है ऐसा विचारक कहा है हालांकि खुद प्लेटो को उसके शिष्य अरस्तु ने भी यह कहा कि प्लेटो ने बहुत ऐसी कल्पनाएं की हैं जो पूर्ण नहीं की जा सकती हैं तो मैक्सी ने भी यह बात कही अन्ना आरेंट। देखो, अन्ना देखो वर्तमान पॉलिटिकल थिंकर है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट विचार प्लेटो को पोलिटिकल का दार्शनिक प्रेरक मानती है फिलोसफिकल इंस्पायर ऑफ फासम देखो चाहे अन्ना अन्ना ऑरट हो चाहे आपकी पॉपर हो जो वर्तमान मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं यानी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों पर जिन्होंने विचार दिए उसमें से ही अन्ना आरणेक है ठीक है ये सभी जो विचारक हैं ये सभी कहते हैं कि फासिज्म की शुरुआत करने वाला का पूरा श्रेय प्लेटो को जाता है ठीक है चलिए आरएचएस क्रॉसमैन ने प्लेटो को टुडे प्लेटो टुडे प्लेटो आज के संदर्भ में लिखा है कि प्लेटो समकालीन स्पाट्रा की सत्तावादी व्यवस्था में अत्यंधिक प्रभावित था देखो इसका मतलब क्या हुआ दो एथेंस के दो पार्ट हुआ करते थे यानी कि दो पार्ट थे एक तो था मतलब यूनान के दो पार्ट थे एक तो स्पाट्रा स्पाट्रा बिलीव करता था साइवी शिक्षा पे और एथेंस बिलीव करता था दिमाग की शिक्षा पे प्लेटो एथेंस का रहने वाला था ये मैंने आपको बताया तो लोगों ने कहा मैंने आपको बताया तो लोगों ने कहा कि प्लेटो स्पाट्रा की समकालीन स्पाट्रा की सत्तावादी व्यवस्था से इतने प्रभावित था इसीलिए प्लेटो क्योंकि भाई जिसमें बल होता था वो राजा बनता था स्पाट्रा में तो प्लेटो परेशान था इसीलिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा की स्थापना की बात करी इसीलिए प्लेटो कहता है पढ़ा लिखा आदमी क्योंकि इथेंस के लोग पढ़े लिखे थे स्पाट्रा के लोग पहलवान थे ठीक है इसीलिए उसने अपने आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक राज्य की पूर्ण सत्ता वाले राज्य का समर्थन किया है वो कहता है कि राजा होना चाहिए दार्शनिक होना चाहिए किंग होना चाहिए ठीक है बात समझ में या नहीं आई तो इसलिए उसने अपने आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक की पूर्ण सत्ता वाले राज्य का समर्थन किया है बजाय कि वो ये नहीं कहता है कि आप बिना दार्शनिक के तो प्लेटो बात ही नहीं करता बिना पढ़े लिखे आदमी को बिना फिलोसफिकल आदमी को तो प्लेटो कुछ मानता ही नहीं है ये बात समझ में देखना ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर 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 और नॉट क्लियर ठीक है इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर अरे हाँ या ना ठीक है मेरे भाई बात समझ में आई या नहीं आई चलो अगले वाले अब प्लेटो की रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं कि प्लेटो की रचनाएं कौन सी कौन सी हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है प्लेटो के सभी ग्रंथ शैली में हैं तो मैं आपको बता चुका हूं एनालिटिकल्स हैं और कम्युनिकेशन मेथड में है यानी कि प्लेटो ने जो बातें है कही हैं वो बातें है लिखी गई हैं सेकेंड क्या प्लेटो सुकरात का शिष्य था तो सोक्रेटिस अनपढ़ थे और सुकरात ने जो कहा वो ही प्लेटो ने लिखा है क्योंकि प्लेटो के गुरु कौन थे सुकरात हुआ करते थे तो सुकरात ने जो बोला वो प्लेटो ने लिखा है कई सारी किताबों में ऐसा हुआ है तो संवादों का प्रमुख पात्र स्वयं सुकरात है देखा सुकरात ने बोला प्लेटो ने लिखा है प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है ये मैंने आपको पहले बढ़ा चुका हूं फिलोसफिकल है या डिडेक्टिव है यानी प्लेटो ने चीजों को एक एक करके अलग किया है और प्लेटो की शैली पूछी जाती है प्लेटो का मेथड कौन सा है संवाद शैली में जैसे गुरु और चेला के बीच में संवाद हो रहा है कि चेला ये सही है गुरु ये सही है चेला ये सही है या गुरु ये सही है अब प्लेटो की जो किताबें हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं द रिपब्लिक सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो मैंने आपको बताई द रिपब्लिक है द स्टेटमेंट है द लॉज है सबसे इंपॉर्टेंट किताब है द रिपब्लिक द स्टेटमेंट द लॉज तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ कुछ किताबें हैं सोक्रेटिस डायलॉग्स ये भी इसकी किताब है काफी इंपॉर्टेंट बुक है पूछी जाती है मीनो है द सिंपोजियम है ठीक है पूछी जाती है थे ऑलरेडी कैरेक्टर था अपोलोजी ये पूछी जाती है फेडो ये पूछी जाती है एडो भी नाम से भी जानते हैं इसको तो ये किताबें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं क्लास रोज चलेगा सर आपकी क्लास कल की ऑफिस बन सर न्यू वाली चलेगा सर आपकी ऑफिस बनी सर न्यू वाली भाई ऑफिस बन रही है अभी उसे ओपन करेंगे मुखर्जी नगर में है ऑफिस ठीक है वहां आपको चार पांच दिन के अंदर ओपन होगी उसके बाद वहां से मिल जाएंगे ऑफलाइन आपको अभी आप ऑनलाइन में जुड़े तो रिपब्लिक द स्टेटमेंट द लॉज द सिंपोजियम इंपॉर्टेंट तो तीन रिपब्लिक द स्टेटमेंट द लॉज सोक्रेटिस डायलॉग्स ये भी कभी कभी पूछी जाती है किताब है अपॉलोजी ये भी पूछी जाती है थेमेकस ये भी पूछी जाती है ठीक है इनको आप एक बार देख सकते हैं इंपॉर्टेंट किताब है आपके लिए काफी काम आने वाली बुक्स हैं आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं प्लेटो के संबंध में लिखी गई श्रेष्ठ रचना द बेस्ट वर्क रिटन अबाउट द प्लेटो प्लेटो के बारे में कौन सी कौन सी किताबें लिखी गई हैं यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने को मिलता है एक बार देखेंगे प्लेटो के संबंध में कौन सी कौन सी किताबें लिखी गई हैं देखो प्लेटो रिपब्लिक प्लेटोज रिपब्लिक को दोबारा लिखा जी आर एफ फरारी ने इसके ऊपर टिप्पणी की इसका लेखांकन किया काफी इंपॉर्टेंट है एक ही बार पूछी जाती है द फाइन प्लेटो फाइन डायलॉग्स ये किताब भी कई बार पूछी गई है एपोलॉजी एपोलॉजिक्रेटोमिनो ये ऐसी पेसिस की किताब है ये भी कई बार पूछी जाती है कई बार इंपॉर्टेंट है बाकी तो कुछ जूत नहीं जान देगी पीपल ऑफ प्लेटो ठीक है डेवरा नेल्स की बुक है कभी कभी ये भी पूछी जाती है तो आप इनकी स्क्रीन ले लेंगे बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती प्लेटोज रिपब्लिक जो है ये जी आर एफ फेरारी प्लेटोज रिपब्लिक तो इसको एक बार आप देख लेंगे ये थोड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है

के की बहुत ज्यादा पूछी जाती है प्लेटोज रिपब्लिक बार पूछी जाती, तो तो अच्छा पूछ जाती है तो इनको एक बार आप फोटो खींच लेंगे और एक बार देख लेंगे कौन सी किताब यहां से पूछी जा सकती है ठीक है आपके कभी कभी काम आ जाती है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन तो पूरा का पूरा पार्ट है प्लेटो का आइए एक बार आपको बताते प्लेटो की रिपब्लिक का वर्ण का विषय नहीं है चलिए आप जो विद्यार्थियों ने तीनों क्लासेस देख रखी हैं, वही विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे हालांकि हमने एक एक करके जिन बच्चों ने इन क्लासेस को देख रखा है जिन बच्चों ने ठीक है जिन बच्चों ने इस पूरी क्लासेस को देख रखा है वो इन प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया सारे बच्चे क्लासेस देख रहे हैं जिन बच्चों ने तीनों क्लासेस को देखा है वो इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे जिन बच्चों ने तीनों क्लासेस को देखा है ठीक है ठीक है चलिए आइए प्लेटो की रिपब्लिक का वर्ण का विषय नहीं है शिक्षा व्यवस्था अंत करना आदर्श कर्जी की व्यवस्था देखो आदर्श कर्जी या आदर्श राज्य की व्यवस्था उन्होंने प्रजातंत्र का अंत करना बिल्कुल ठीक है शिक्षा व्यवस्था है उप आदर्श राज्य की व्यवस्था की प्लेटो बात नहीं करता है प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए आदर्श राज्य की व्यवस्था और यहां क्या हो रहा है तो यहां आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट को यहां पर काटा गया है तो उप आदर्श राज्य की व्यवस्था की प्लेटो बात नहीं करता है ठीक है बहुत बहुत बढ़िया बहुत प्यारा प्रश्न है चलिए अगले वाले प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है संरक्षकों को छुदा तत्व से दूर रहना है बताइए सभी सभी के करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं भाई करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों सभी के सभी कमेंट करके बताएं बहुत बहुत बढ़िया प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है संरक्षकों को छुदा तत्व से दूर रहना है ये बताओ करेक्ट बताएंगे सभी के सभी करेक्ट आंसर क्या होगा का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग पर लागू होता है अरे हाँ या ना बताएंगे भाई करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल ठीक है ठीक है आगे संरक्षकों को चुदा तत्व से दूर रहना है बिल्कुल सही है भाई प्लेटो ने कहा है कि संरक्षकों को चुदा तत्व से दूर रहना है तभी तो जब सर चुदा क्या होता है कमाने की इच्छा जब संरक्षक वर्ग कमाना चाहेगा कमाना चाहेगा तो कैसे राजा बनेगा प्लेटो कहता है कि जो संरक्षक है क्षुदा मैंने कितनी बार बोला उत्पादन की अधिक लालसा रखना लालसा पैसे के प्रति अधिक लगाव रखना तो प्लेटो कहता है कि संरक्षक को चुनाव से दूर रखेगा और संरक्षकों पर लागू होता है तो दोनों सही है सी इज द करेक्ट आंसर मोहम्मद नबीद अंसारी सी सी बिल्कुल राजेश कुमार जी इज द करेक्ट आंसर चलिए इस नए चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल नया है अभी इसमें मुश्किल से मुझे लग रहा है दो वीडियो डाली है मेरी तो अधिक से अधिक बच्चों को इसके बारे में बताओ आई एस शिक्षा जो चैनल है इसके बारे में अधिक से अधिक बच्चों को बताओ और इस पर आपकी क्लासेस जो है ना अभी मेरी चल रही है इस पर क्लासेस सारी सारी पेड़ ही रहेंगी तो अधिक बच्चों को बताओ बाकी क्लासेस चलने वाली है आपकी प्लेटो का रिपब्लिक ग्रंथ लिखने का उद्देश्य नहीं है प्लेटो का रिपब्लिक ग्रंथ लिखने का उद्देश्य नहीं है हमारे पेड़ के जो बच्चे हैं आज सब मुझे गायब लग रहे हैं पता नहीं कहाँ है

की प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था का अंत करना कुशासन का अंत कर आदर्श राज्य का निर्माण करना उद्देश्य क्या नहीं है बताइए एक झटके में बता दोगे मैं हूं सर बहुत बढ़िया और सब कहा है भाई अनुराय कहा हो तुम बाकी सभी के सभी कहा है? बहुत ही आसान है एक झटके में बता देना चाहिए रिपब्लिक में क्या है भाई कुशासन को अंत करना निर्माण करना ये तो उद्देश्य था प्रति के सिद्धांत को गलत दूर करना झुंडा ठहराना एक प्रकार से चलिए अब राजनीति शास्त्र को निशा से पृथक करना यह कभी कहा प्लेटो ने लिखने का उद्देश्य नहीं है अब आप देखो यही है भाई कब कहा एक बात आप समझने की कोशिश करो द राजनीति शास्त्र जो है उसको नीतिशास्त्र से अलग कैसे करेगा प्लेटो उसने कभी नहीं कहा प्लेटो तो यह कहता है कि राजनीति में नीतिशास्त्र घुसा दो यही तो कहता है प्लेटो भाई प्लेटो कहता है कि उसका जो राजा होगा वो कैसा होगा उसका राजा फिलोसफिकल किंग होगा और फिलोसफिकल किंग का मतलब क्या होता है ऐसा राजा जो आदर्शवादी राजा हो कैसा हो आदर्शवादी राजा हो तो आदर्शवादी राजा की स्थापना की बात करता है और आदर्शवादी राजा कैसा होता है जो किसको मानता है नीतिशास्त्र को मानता है तो कहता है नीति शास्त्र से ही राजनीति शास्त्र चलेगा ये प्लेटो कहता है ठीक है तो ये प्लेटो के विचार है ठीक है उससे अलग नहीं है बात समझ में आई या नहीं आई अरे हाँ या ना बोलो रे मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई प्लेटो ने अपने साम्यवाद के संबंध में विचार किस पुस्तक में दिए प्लेटो ने साम्यवाद के संबंध में विचार किस पुस्तक में दिए तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ा है भाई प्लेटो के साम्यवाद के विचार किस में द रिपब्लिक में द रिपब्लिक तो प्लेटो बात करता है साम्यवाद की कम्युनिज्म की मैं आपको बता भी चुका तो प्लेटो के रिपब्लिक के विचार साम्यवाद के विचार रिपब्लिक में लिखे हुए हैं बहुत ही क्लियर सा प्रश्न है बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे आओ अगले प्रश्न की बात करते हैं क्या है प्लेटो द मैन एंड इज वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताओ भाई <iken> अभी हमने <Credit app Walking Tortilla> इसके बारे में बात करी थी प्लेटो द मैन एंड इज वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है प्लेटो द मैन एंड इज वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है <Defense> किसके द्वारा लिखी गई है प्लेटो द मैन एंड इज वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे सभी के सभी ने लिखी है भाई बताओ प्लेटो द मैन इट इज वर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है क्वेश्चन नंबर चार पे अटके हो? सभी के सभी आंसर देंगे फास्ट एंड फास्ट बहुत बहुत बढ़िया ग्रेट सर आए हमने मैसेज भी किया था बाकी जो नहीं आए ना बताएंगे भाई आदर्श राज्य की बात करते हैं प्लेटो रिपब्लिक में बहुत बढ़िया राजे से तो ठीक है इसके बारे में बताओ प्लेटो द मैन एंड इज वर्क पुस्तक लेकर किसने लिखी है प्लेटो द मैन अभी हमने बात करी थी टेलर की किताब है थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी आई इ टेलर देखो कहां दिखाई थी हमने तो यहां दिखाई थी टेलर की बुक है ये और बहुत ही फेमस किताब है फेरारी चलिए ठीक है हाँ टेलर की किताब है ये प्लेटो के क्रिटो में क्रिटो ने सुक्रात को यह समझाने की असफलता कोशिश की कि निम्नलिखित में से कौन सा काम करना है देखो प्लेटो ने प्लेटो की क्रिटो किताब है क्रिटो ने को यह समझाने की Sultan, की असफल कोशिश है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम करना है तो देखो प्लेटो की क्रिटो में जो प्लेटो की पुस्तक है जिसका नाम है क्रिटो तो प्लेटो ने अपनी किताब क्रिटो में सुकरात को यह सुकरात द्वारा prá군... क्या हो गया ये ठीक है प्लेटो ने अपनी किताब क्रिटो में यह समझाने की कोशिश की है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना है तो बताइए कौन सा कार्य करना है कौन सा काम करना है लेकिन ऐसा किया नहीं तो प्लान करने की बात करी थी उसने कहा था से आप प्लान कर जाओ अब रहने लायक नहीं है तो प्लेटो की क्रीटो में क्रीटो ने सुकरात को यह समझाने की कोशिश की थी कि आप प्लान कर जाओ एथेंस से लेकिन माना नहीं वही मार दिया गया एथेंस से पलायन प्लेटो की फीडो के अनुसार सुकरात का वह व्यवहार उसके कच्छ में क्या था जब वह अपने लंबित सजा की प्रतीक्षा कर रहा था प्लेटो ने किताब लिखी फीडो और फीडो के अनुसार सुकरात का व्यवहार उसके कच्छ में क्या था जो अपनी लंबित सजा की प्रतीक्षा कर रहा था भाई सुकरात को मार दिया था ना सुकरात को मार दिया था प्लेटो ने कहा था सुकरात तुम इधर छोड़ के चले जाओ पर सुकरात गया नहीं तो उसको मार दिया था प्लेटो ने फीडो में लिखा है कि जब उसे मारा जा रहा था तो उसमें प्रतीक्षा कर रहा था तो उसका व्यवहार कैसा था अत्यंत भयभीत था अपनी सजा के अन्याय से नाराज था सुखद शांत और अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया दुखी और उदास था बताओ भाई क्या होगा बहुत सारे बच्चों को आंसर सी लगेगा और सी करेक्ट आंसर है क्योंकि वो क्या था सुखद था शांत था जैसे जब भी कोई आदमी बड़ा आदमी फांसी पर चढ़ता है या जब भी वो अपनी मृत्यु के अंत नजदीक होता है उसका व्यवहार सुखद होता है शांत होता है और अपने भाग्य से इस्तीफा दे देता है ठीक है जैसे कि हमारे जो है आप जान सकते हैं भगत सिंह साहब ने किया यह सब आपको देखने को मिल जाएगा तो बहुत ही आसान प्रश्न है यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाते हैं ठीक है बेटा इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर क्लियर चला कहा गए हम प्लेटो की कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है प्लेटो ने कौन सी शैली अपनाई है तो मैंने आपको पढ़ाया बढ़ाया निगम शैली है भाई प्लेटो की शैली शैली कैसी है है और प्लेटो की शैली कैसी है तो कम्युनिकेशन बेस्ड शैली है कम्युनिकेशन बेस्ड शैली जिसने क्या किया है कम्युनिकेशन की बात करी और डिडेक्टिव है निगनात्मक शैली है ये प्लेटो की विधि का प्रयोग किया गया है तो प्लेटो की कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है प्लेटो ने निगणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है बात समझ में आई या नहीं आई अरे हा या ना

ऑल करेक्ट ये प्लेटो के वर्ग हैं ऑल करेक्ट ये सभी के सभी क्या हंड्रेड परसेंट हैं तो ऑल करेक्ट यही आपका सभी सुमेलित हो गए तो ये आपका प्लेटो का लेक्चर पूरा पूरा खत्म हो चुका है अगर आप इसी प्रकार से बाकी लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है एट सेवन ट्रिपल जीरो सेवन एट नाइन वन सेवन के नंबर पर कॉल करना है यहां से आपको बैच की जानकारी मिल जाएगी अभी क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी और ऑलरेडी कुछ कुछ क्लास में इसकी एप्लीकेशन पर ले चुका हूं अब ऐप पर स्टार्ट होगी अगला जो विचारक होगा हमारा प्लेटो के बाद अरस्तु होगा अब अगली क्लास स्टार्ट करेंगे अरस्तु के ऊपर टीजीटी के लिए आप पेड कोर्स ले सकते हैं ठीक है प्लीज रोज पढ़ाइए टेंशन ना लीजिए रोज पढ़ाएंगे थोड़ा सा बीच में क्या थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी तो दो चार दिन की छुट्टी ले ली है मैंने अब कोई समस्या नहीं होगी आपकी लगातार क्लास होगी तो आज आपका प्लेटो खत्म हो गया कल हम अरिस्टोटल पढ़ेंगे तो कल जो क्लास चलेगी वो अरस्तु क्लास चलेगी क्या चलेगी कल अरस्तु टॉपिक क्या है अरस्तु तो कल हम पढ़ेंगे अरस्तु ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और बताइए कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्लास को सभी के सभी को लाइक करना है और क्लास के अंत में सभी को जो है एक बार क्लास पर कमेंट करके जाना है ठीक है ठीक है चलिए बेटा बहुत बहुत बढ़िया जबरदस्त बहुत बहुत सॉलिड सभी को क्लास खत्म होने के बाद क्लास पे कर कमेंट करना है बबाई नमस्कार जय लव यू अगली क्लास कब होगी अगली क्लास कल